Now sit comfortable. आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधी रखते हैं और धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं. Close your eyes and take a deep breath. गहरी सांस लीजिए. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, मन को ढीला छोड़िए. गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स कीजिए. तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं. गहरी सांस लीजिए. और गहरी सांस लीजिए. और गहरी सांस लेते हैं. रिलैक्स रिलैक्स एंड फील द ब्यूटीफुल रेजोनेंस ऑफ ओमकार थ्रूआउट योर बॉडी फॉर अ व्हाइल. Slowly join your hands, up your palms. Keep your palms on your eyes. Give a facial massage, neck massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. All right. So once again, welcome those who have joined late. जिन लोगों ने late join किया उनको welcome. तो आज की class है Reiki के बारे में. Reiki के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं अपना एक छोटा सा introduction दे देता हूँ. बहुत से लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम तो आप सब लोग जानते हैं, विमल जैन. और आई यूज द प्रीफिक्स एज अल्केमिस्ट विमल. अल्केमिस्ट इसलिए क्योंकि मैंने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को ईजाद किया है जिसका नाम मैंने दिया है अल्केमी. कभी उसके बारे में क्लास करेंगे तो उसके बारे में इन डिटेल हम चर्चा करेंगे कि अल्केमी क्या है, कैसे ये काम करती है वगैरह वगैरह. इसलिए मैं अपने आप को अल्केमिस्ट कहलवाता हूँ. तो अल्केमिस्ट विमल या विमल जैन मेरा नाम है. पिछले लगभग 12-13 साल से, यानी कि 2008-09 से आई एम इनटू ड्रगलेस थेरेपीज. मोर देन 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है. रेकी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एनएलपी, सुजोग थेरेपी, योगा, प्राणायाम, ईएफटी हो, पोनो पोनो और बहुत से अलग अलग तरह की मुद्रा थेरेपी, और इस तरह से 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है. और लगभग 3000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशंस मैंने किया है, यानी कि 3000 लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद की है पिछले 10-12 सालों में. मैनी क्लासेस, मोर देन 14+ डिफरेंट कोर्सेस मैंने क्रिएट किए हैं. उनमें से एक रेकी है, दूसरा हिप्नोसिस, माइंड पावर, अल्केमी. अल्केमी मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे. उसके अलावा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, सुजोग थेरेपी और ये सारी क्लासेस, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ 14+ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेस मैंने क्रिएट किए हैं और ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ पिछले 12 साल से. पिछले 3 साल से रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही है. पहले बिफोर कोविड इट वॉज ऑफलाइन चलती थी. कोविड आने के बाद हमने ऑनलाइन शुरू किया और पिछले 2-2.5 साल से, जब से कोविड आया तब से हम लोग ऑनलाइन हो गए और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. और उसी कड़ी में आज की क्लास है रेकी. तो आज हम रेकी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे रेकी होती क्या है. इन डिटेल हम रेकी को समझेंगे. रेकी को समझने से पहले हम समझेंगे कि हीलिंग आखिर क्या होती है, ठीक है. और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप सब लोग मेरे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से जुड़े हैं. बहुत से लोग अलग अलग सिटी से जुड़े होंगे, नॉर्थ इंडिया से, मिडिल इंडिया से. तो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, आप कहाँ से जुड़े, आपकी सिटी का नाम. बैंगलोर से हैं, यस, कर्नाटका, ओके, पुणे, दिल्ली, मुंबई, मैसूर, जबलपुर, बैंगलोर, वाह, जयपुर, बैंगलोर,
क्या है रंजन आपकी शक्ति चेन्नई से भी है नागपुर सिरसी दिल्ली नागपुर बैंगलोर नीमच मध्य प्रदेश वाव औरंगाबाद मध्य प्रदेश गुड गुड चलो तो ऑल मतलब पूरा हिंदुस्तान आज यहाँ पर है ना इंडिया के अलग अलग कोने से हम लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर है तो आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल हियर और जर्नी शुरू करते हैं और जैसा मैंने कहा आज की क्लास मोस्टली हिंदी में होगी अप्रोक्सीमेटली 70% आई विल स्पीक इन हिंदी 30-40% आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो बॉटम लाइन ये है कि आप सब लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ वो कन्वे हो जाएगा ठीक है तो बीच बीच में सर इंग्लिश में बोलिए सर हिंदी में बोलिए कहने की जरूरत नहीं है आराम से रहिए अटेंटिव रहिए जैसा मैंने कहा अटेंटिव रहेंगे तो आप अगर रेकी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं अब तक या सब कुछ जानते हैं कुछ लोग होंगे जो रेकी के मास्टर्स होंगे टीचर्स होंगे आप लोग रेकी सिखा भी रहे होंगे और कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे कि चलो यार हम तो सिखाते ही हैं ये क्या सिखाते हैं देखते हैं है ना तो नथिंग टू वरी ऑल आर वेलकम हियर और सबको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दैट इज माई गारंटी ठीक है तो शुरू करते हैं मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो रेकी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स रेकी के बारे में कभी नहीं सुना कोई ऐसे हैं जिन्होंने रेकी के बारे में कभी नहीं सुना श्रीधर जी यस वीरेश प्रियंका पवन यस नीरव पटेल ओके All right. So, बहुत से लोगों ने रेकी के बारे में कुछ नहीं सीखा है आप में से कौन है जो रेकी के बारे में सीखा है या रेकी सीखी है आपने रेकी यस लिखिए सो दैट आई नो लिटल ओके रीना जी कुछ जानती है ओके थर्ड लेवल तक सीखा है वेरी गुड यस कुछ लोगों ने थर्ड लेवल तक सीखा है कुछ लोग रेकी के टीचर्स भी होंगे आई बिलीव रेकी यस मास्टर ओह वाह इट्स वंडरफुल वंडरफुल तो जैसा मैंने पहले ही गेस किया था कि आप में से बहुत से लोगों ने रेकी के बारे में सुना है बहुत से लोग रेकी मास्टर अश्विनी मैडम आई नो यू आप लोगों ने रेकी के बारे में सुना है कुछ लोग रेकी के मास्टर्स भी है कुछ लोगों ने रेकी सीखा भी है लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की है अच्छा एक और बात आप लोगों से जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको हीलिंग से डर लगता है कोई लोग हैं जहाँ जिनको हीलिंग से डर लगता है या जो हीलिंग नहीं करवाना चाहते या हीलिंग नहीं करनी चाहिए ये बिलीव वाले हैं कि अगर हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो उनके कर्माज हम ले लेते ऐसा कोई है ऐसा कोई है अ लिटिल आई नो ओके आई नो लिटिल थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हैं वाणी जी रेकी मास्टर भी है ओके पवन जैन जी ने कभी नहीं सुना है रेकी के बारे में ओके किसी को रेकी के बारे में डर क्योंकि ओके कुछ लोगों को रेकी हीलिंग वगैरह से डर यानी कि लोग ये सोचते हैं कि हम अगर दूसरों की हीलिंग करते हैं तो दूसरों के कर्म हम ले लेते हैं और हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा किसी को कोई डर है रेकी के बारे में क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि सर हम रेकी सीख तो लेकिन लेकिन डर लगता है कहीं हम दूसरों का हील करने जाए और हमारे खुद की प्रॉब्लम हो गई तो No fear, love to help others. Okay, good Naina ji. Others and myself. Wonderful, wonderful. Okay, चलिए तो आज ऐसा कोई नहीं है जिसको रेकी से डर लगता है अल्केमी स्टूडेंट आई एम ओके ओ महालक्ष्मी जी अल्केमी गलती दे रहा स्लाइट फियर संदीप जी ओके तो आपका जो भी डर है उसको भी आज खत्म कर देंगे इन डिटेल हम समझेंगे ओ यू नो कन्नड़ा आल्सो यस सर आई नो कन्नड़ा आल्सो एंड नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू डू रेकी क्लास इन कन्नड़ा आल्सो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक वी डू इन कन्नड़ा आल्सो एंड फॉर ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टिल नाउ आई वाज डूइंग ऑल माय क्लासेस इन इंग्लिश इट वाज कंप्लीटली इंग्लिश एंड मेनी पीपल वर आस्किंग टू डू इट इन हिंदी मेनी पीपल वर आस्किंग इन कन्नड़ा सो नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट 50% I'll do the classes in Hindi and English, mix of Hindi and English, and 50% it will be mix of Kannada and English. And you will be informed when it is in Kannada and when it is in Hindi. So those who do not understand Hindi, those who understand only Kannada, they can join the Kannada classes. And those who do not understand Kannada, they can join the Hindi classes. Okay, Hindi or English to common rahega or Kannada or English common rahega. English will be common language in both. Because I know only these three languages, Hindi, English and Kannada.
and I am fluent in these three languages, so I can take classes in all the three languages. Some of the classes will keep only in English, where you know people who cannot understand Hindi or Kannada also, for them only English classes will also be there. So इसी कड़ी में आज की क्लास जो है हिंदी में है, तो हम हिंदी में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो what is healing? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अब चैट बॉक्स में कुछ ना डालें, ओके? चैट बॉक्स बंद कर लेते हैं, ओके? अब अटेंटिव रहिए, आराम से बैठे, रिलैक्स होके बैठे. आई नो ऑल थ्री, आई अप्रिशिएट योर थॉट. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू. ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ತೋ ರೇಕಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕೊ ಜಾನ್ನೆ ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ಹಮ್ ಯೇ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಖಿರ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ಹೀಲ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ದೇಖಿಯೇ, ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಆಪ್ಕೆ ಶರೀರ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಭಿ ಬಿಮಾರಿ ಹೈ. मान लीजिए आपको बुखार है, शरीर में बुखार है, आपको क्या चाहिए? बुखार से छुटकारा चाहिए. आपकी खांसी सर्दी जुकाम है, आपको क्या चाहिए? खांसी सर्दी से जुकाम से छुटकारा चाहिए. आपको बॉडी पेन रहता है, तो आपको चाहिए क्या? बॉडी पेन से छुटकारा चाहिए. आपके सिर दर्द रहता है, माइग्रेन हेडेक है, गले की कुछ प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, कुछ भी है, या आपके किसी यार दोस्त को, आपके फैमिली मेंबर को, किसी को कोई बड़ी डिसीज, कोई बड़ी बीमारी है, कोई कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कुछ और है, ये सारी चीजें किसी को है, तो उस बंदे को चाहिए क्या? इन चीजों से निजात, इन चीजों से छुटकारा चाहिए, ठीक है? ये हो गया शरीर का. अब जीवन में आप जॉब कर रहे हैं और आपका आपकी बॉस के साथ बनता ही नहीं है. जॉब सुबह होते ही टेंशन हो जाती, यार फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर उसी टीम लीडर को या उस बॉस को देखना पड़ेगा, फिर उसके साथ माता बच्ची करनी पड़ेगी. यू नो, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. यू वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम दैट बॉस, और यू वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम नॉट दैट बॉस एक्चुअली, द प्रॉब्लम वॉट दैट बॉस और दैट सीनियर पर्सन इज क्रिएटिंग इन योर जॉब, यू वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम दैट. आप बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, स्टॉक है वगैरह है, लेकिन आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे. आपका बिजनेस जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना बिजनेस नहीं हो रहा है. मान लीजिए आपने इतना इन्वेस्ट किया है कि आपको कम से कम 10,000 का बिजनेस होना चाहिए और आप 1,000, 2,000, 3,000 ही कर रहे हैं, या आपको 50,000 का बिजनेस हो रहा चाहिए और आप 10, 12, 15,000 ही कर रहे हो. दैट मीन्स वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बिजनेस अप टू दैट मार्क यू आर नॉट एबल टू राइज. तो आपको क्या चाहिए? आपका बिजनेस फ्लरिश हो. आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आप डिजर्व करते हो, उतना आपका बिजनेस अच्छा हो, जिससे कि आपकी इनकम अच्छी हो और आपका जीवन अच्छा चल सके. दिस इज व्हाट यू वांट, बट दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है? तीसरा, धन नहीं आ रहा है. सारे सब काम अच्छे हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं आपके जीवन, और पैसे आते हैं तो पता नहीं आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं. 10 आते तो 20 खर्च हो जाते हैं, 1,000 आता है तो 2,000 खर्च हो जाते हैं. ये सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है. ये सारी चीजें भी ठीक है मान लीजिए, लेकिन कहीं मन नहीं लग रहा है. क्यों ना, कुछ लोग होते हैं काम का स्ट्रेस में होते हैं, फालतू की चिंताएं लगी रहती है. तो ये चिंताएं लगी रहती, इन चिंताओं से आपको छुटकारा चाहिए. आपको स्ट्रेस हो जाता है, चाहे बिजनेस का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे सोसाइटी का हो, उससे आपको छुटकारा चाहिए. ये सारी चीजें जो है, इन सबसे छुटकारा पाना हीलिंग है. कोई ऐसी चीज चाहिए आपको, कुछ ऐसा चाहिए जिसको करने से ये जो प्रॉब्लम आपकी है ये ठीक हो जाए. चाहे वो शरीर में प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो यू नो वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है घर में, या कोई भूमि दोष है घर में, या यू नो जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम, या आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है इनसे छुटकारा पाना. इनसे छुटकारा पाने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, एक कैटलिस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, उस कैटलिस्ट को कहते हैं हीलिंग. समझ रहे आप?
मतलब इन चीजों को, जैसे बुखार है बुखार को ठीक कर देना, जैसे बुखार है उसके लिए तो आप डोलो ले लेंगे या कोई भी पैरासिटामोल ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं शरीर में, कई बीमारियां हैं मन में, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है जिनसे आप दवाई लेकर भी ठीक नहीं हो सकते। जैसे आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, कुछ हद तक मेडिसिन आप लेते हैं उससे हेल्प होती है, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता है। आप बार बार जीवन में कुछ करते हैं और फेल होते जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वहां पर भी कोई भी मेडिकल डॉक्टर या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कितने लोग मैरिड हैं यहाँ पर, आई थिंक सब लोग मैरिड होंगे। रोज हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि शादी 7 जन्म का बंधन होता है, पता है क्यों? फॉरेन में हम जाते हैं तो साल 2 साल में डाइवोर्स ले लेते हैं और दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 7 जन्मों का बंधन होता है शादी। ऐसा इसलिए, पता क्यों ऐसा इसलिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर हम फॉरेन में लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, पार्क में, ऑफिस में, सब जगह रोमांस ही रोमांस चल रहा होता है। उनका प्यार का कोटा 1-2 साल में खत्म हो जाता है और अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर सुबह पति पत्नी प्यार करेंगे और शाम को लड़ाई कर लेंगे, तो प्यार का कोटा खत्म ही नहीं होता। इसलिए हमें प्यार का कोटा खत्म करने के लिए 7 जन्म लगते हैं। जस्ट ऑन द लाइटर नोट, जब मैं मजाक करता हूं तो थोड़ा हंस भी लिया कीजिए, ठीक है, बी रिलैक्स्ड। तो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई काम नहीं आती है ना? उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो इन चीजों को ठीक कर सके, समझ रहे हैं आप? तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, रेकी इज वन अमंग देम, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे आप परेशान है किसी बात को लेकर, आप परेशान है, आप मेरे पास आते हैं, हम थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग करता हूं और उस काउंसलिंग से भी आपको रिलीफ मिल जाती है कई बार। कई लोग मेरे पास आते हैं, सामने बैठते हैं, कुछ देर हम बात करते हैं, बात करने के बाद बोलते हैं, सर जब आया था तो बहुत भारी था, अब एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूं, मेरे साथ बात करके ही रिलैक्स फील करते हैं। तो होता क्या है, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ हीलिंग। अब परेशान होते हैं, किसी दोस्त से जाके मिलते हैं और दोस्त आपको बोलता है चल यार कोई नहीं, एक 90 मार के आते हैं, जाते हैं कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, खेलते हंसते वापस आते हैं, यू फील रिलैक्स्ड, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाली जो चीज, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, उसको हम हीलिंग बोलते हैं। इन्हीं हीलिंग के डिफरेंट वैरायटीज में एक हीलिंग है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जेंटल है और बहुत ही पावरफुल हीलिंग है, उसको हम बोलते हैं रेकी, रेकी, रेकी हीलिंग, REIKI, रेकी हीलिंग। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Hope you're all listening to me carefully and कुछ समझ में भी आ रहा है। So what is health? Healing को समझने से पहले, तो जैसा मैंने कहा, healing को समझने से पहले हमें ये समझना है कि illness या problem क्या है। तो हमने समझा कि ये हमारी problem है, इसको ठीक जो कर सकते हैं वो healing है। अब illness को अगर समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि health क्या है। WHO World Health Organization कहता है कि healing is not या disease is not merely health is not merely the absence of disease in the body, it is the complete well-being of a man physically, mentally, emotionally and socially। WHO World Health Organization कहता है कि आप healthy सिर्फ इसलिए नहीं कहलाते कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप healthy तब होते हैं जब आप physically हेल्दी होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, इमोशनली हेल्दी होते हैं और साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं। जब ऑल लेवल्स पे आप हेल्दी होते हैं तभी आपको कहा जाता है कि आप हेल्दी हैं। अब देखिए, यस, समझने की कोशिश कर रहे, थोड़ा पावर चला गया है तो लाइट थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन नथिंग टू वरी, विल कंटिन्यू। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग मेरे साथ हैं अभी तक? आर यू ऑल विथ मी सो फार? जस्ट टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स इफ यू आर लिसनिंग टू मी।
क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी यू पीपल. आप सब लोगों की वीडियोज ऑफ है. यस यस ग्रेट. यस यस सर. यस ग्रेट. तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना ऐसे तो मतलब यू नो थोड़ा ठीक तरीके से आएगा अंदर से, वरना क्या होगा कि लगेगा मैं अकेले अपने आप से बात कर रहा हूँ. यस जी थैंक यू सो मच. ग्रेट. तो हेल्थ का मतलब है हमें फिजिकली भी हेल्दी होना है, मानसिक रूप से हमें हेल्दी होना है और साइकोलॉजिकल रूप से हमें हेल्दी होना है, सोशल रूप से समाज में भी हमारा कोई रुतबा हमारी कोई पहचान हो तभी कहा जाता है कि हम हेल्दी होते हैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं. सो हेल्थ इज नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, इट इज द हेल्थ ऑफ योर लाइफ. आपका जीवन पूरी तरह से हेल्दी हो तभी हम कहते हैं कि हम हेल्दी है. जैसे पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है. चार तरह की हमारा जीवन होता है. एक तो पर्सनल लाइफ होती है हमारी खुद की लाइफ, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ जो भी प्रोफेशन आप करते हैं चाहे बिजनेस हो जॉब हो कुछ भी काम आप कर रहे हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ, तीसरा है आपकी फैमिली लाइफ आपका परिवार पत्नी बच्चे माता पिता यू नो उनके साथ आप अच्छे रहें, और चौथी है हमारी सोशल लाइफ सामाजिक लाइफ समाज में भी हम सबके साथ एक होकर जुड़ के रहें. So what is healing? If you can understand the simple phenomena of fire, you can understand the whole science of healing. Healing को समझना बहुत ही आसान है. मैं बताता हूँ. From where the fire comes and जैसे मान लीजिए कि मैं माचिस लेता हूँ. माचिस में बता देता हूँ आपको. ये मेरे पास माचिस है. ठीक है. अब मैं आग जलाता हूँ. आग जल रही है. अब आप में से कोई बता सकता है कि ये आग कहां से आई? कहां से आई ये आग? और ऐसे क्या ये आग कहां चली गई? हम रोज ये करते हैं. रोज आपने दिया जलाया होगा, कुछ और किया होगा, कहीं ना कहीं आपने आग का प्रयोग किया है, आग जलाई है और आग को बुझाया भी है. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये आग आखिर आती कहां से है और जाती कहां है. Maybe we are using some means. हम कुछ यूज कर रहे हैं. करते हैं. डिटेल में बात करेंगे. डोंट वरी पवन जी, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा आपको. तो ये आग कहां से आती है और कहां जाती है? देखिए, अगर माचिस नहीं होती, पुराने जमाने में जैसे माचिस नहीं थी तो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते, दो पत्थर रगड़ते थे और आग को पैदा करते थे. राइट right? हमने सुना है, पढ़ा भी है स्टोन एज में. मतलब दो स्टोन्स को मतलब घस के, आज भी आप कर सकते हैं, दो स्टोन को जब घसेंगे तो आग पैदा होगी. तो वो आग आती कहां से है और वो कहां चली जाती है वापस? इट्स वेरी सिंपल. इफ यू अंडरस्टैंड दिस फाइव एलिमेंट्स, पंचभूतों की हम बात करते हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी. पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांच तत्व होते हैं. ये पांचों तत्व एक दूसरे में मौजूद होते हैं. जैसे यहां पर हवा है, इस हवा में आग मौजूद है. By some means we are making that fire to appear in front of us. समझ रहे हैं आप? आग जलाई मैंने, कुछ मींस मैंने यूज किया, आग पैदा हुई. लेकिन आग पैदा हुई कैसे? क्योंकि आग ऑलरेडी इस हवा में मौजूद है. जैसे पांच तत्वों के बारे में जब हम चक्र साधना की क्लास में डिटेल में समझते हैं इनको, कि पांच तत्व कैसे पैदा होते हैं. सबसे पहले आकाश आता है, आकाश से वायु निकलती है, वायु से अग्नि पैदा होती है और अग्नि से पानी निकलता है, अग्नि से ही पानी बनता है और पानी से जमीन या अर्थ एलिमेंट बनता है. तो इस वायु में आग अग्नि तत्व मौजूद है. उस अग्नि तत्व को बाय यूजिंग सम मींस, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो मैच स्टिक हो कुछ भी हो, उसको यूज करके हम उस आग को अपीयर करते हैं और जहां से वो अपीयर होती है यानी कि इस हवा से, उसी हवा में वापस विलीन हो जाती है. इन द सेम वे हेल्थ इज अवर नेचुरल स्टेट, इलनेस इज अक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. आई रिपीट दिस, हेल्थ इज अवर नेचुरल स्टेट, इलनेस इज अक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो हमारा नेचुरल स्टेट है. अनारोग्य या बीमारी या जो भी परेशानी है वो हम बाहर से अक्वायर करते हैं, वो हम बाहर से लेते हैं. तो
बाहर से जो ली गई है चीज उसको बाहर वापस भेज देना, उसके उसके सोर्स तक भेज देना ही हीलिंग है। जैसे ही आपके शरीर में बीमारी है, जैसे बुद्ध है, मेरे पीछे फोटो लगा हुआ है, बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं। बुद्ध कहते थे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपकी बीमारी को बताऊंगा, आपकी बीमारी का इलाज बताऊंगा, मुझे आपको हेल्थ के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपकी जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक कर देंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, समझ रहे? तो जो बीमारी हमने बाहर से एक्वायर की है उसको बाहर जहां से हमने लिया है वहां से वापस भेज देने को ही हीलिंग कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में इसको हम समझते हैं। सारी चीजें हीलिंग इज सेंडिंग इलनेस बैक टू इट्स सोर्स एंड गेनिंग द हेल्थ बैक। हीलिंग इज हार्मनी बिटवीन योर बॉडी माइंड इमोशंस एंड स्पिरिट। हीलिंग इज नथिंग बट इट इज अ हार्मनी। एक हार्मनी है, एक बैलेंस है बिटवीन योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशंस, दैट इज आपके थॉट, विचार, सोच, फीलिंग जो है वो, और आपकी स्पिरिट और एनर्जी और लाइफ फोर्स एनर्जी और आत्मा जो भी हम बोलते हैं, इन सब के बीच का जो समागम है, इन सब के बीच की जो हार्मनी है, वो हार्मनी जब आ जाती है तब हम हील हो जाते हैं, तब हम हेल्दी हो जाते हैं। देखिए अपने नेचर को समझते हैं। नेचर क्या है? फिजिकल बॉडी, फिजिकल लेवल पे हमारी बॉडी है, और बॉडी में फिजिकल इलनेस है, मेंटल इलनेस है, इमोशनल डिस्टरबेंस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स एट वर्क, जॉब, फैमिली एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स एट द फिजिकल लेवल एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं फिजिकल लेवल पे, है ना? चाहे वो शरीर में बीमारी हो, चाहे वो मन डिस्टर्ब हो, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सारे डिस्टर्बेंस इन द माइंड, देन इमोशनल टर्बुलेंस, देन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स एट वर्क, आपके काम में, जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम है, और सारी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम एट द फिजिकल लेवल आप फेस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? ऑल योर प्रॉब्लम्स फर्स्ट अराइज इन योर माइंड। सारी प्रॉब्लम हमारे मन में अराइज होती है। सारी प्रॉब्लम कहां अराइज होती है? हमारे मन में। माइंड इज नथिंग बट योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। थॉट इज अ वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इज एनर्जी। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। आज आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। ये बीमारी आपकी है कहां पर? आपके शरीर में है, फिजिकल लेवल पे है। लेकिन ये शुरू कहां से होती है? हर बीमारी शुरू होती है आपके मन से। थोड़ा इसको समझते हैं। अब आप कहेंगे सर बीमारी तो शरीर में है, जैसे बुखार है शरीर में, ये मन से कहां शुरू होता है? मन से ही शुरू होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए बीमारी आपके शरीर में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बारिश होती है और बारिश में भीगने से हम बच्चों को भीगने से मना करते हैं। क्यों करते हैं? बारिश में जैसे बारिश आती है बच्चे भाग के बारिश में खेलना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं बच्चों को? अरे बारिश में मत जा, सर्दी हो जाएगी, बारिश में मत जा, सर्दी हो जाएगी, पानी में मत भीग, सर्दी हो जाएगी। बार बार हम बच्चों को कहते हैं लेकिन बच्चे मानते नहीं है, जाते हैं, खेलते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार उनको कहते हैं बारिश में मत भीग, सर्दी हो जाएगी, बारिश में मत भीग, सर्दी हो जाएगी, बारिश में मत भीग, सर्दी हो जाएगी, उनका सबकॉन्सियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि बारिश में भीगने से सर्दी होती है। शुरू शुरू में उनको सर्दी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं थोड़ा सा भी बारिश में भीग के आ जाते हैं। और आजकल हमने देखा है कि बड़े होते हैं 30-40 ईयर्स ओल्ड पीपल, थोड़ा सा बारिश में भीग के अगर आ गए तो घर आते ही उनको सर्दी लग जाती है। अब हम कहेंगे कि सर्दी तो बारिश की वजह से लगी, लेकिन बारिश की वजह से नहीं लगी, सर्दी लगी है उनके सबकॉन्सियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से, क्योंकि उनका सबकॉन्सियस माइंड फ्रॉम चाइल्डहुड इट इज प्रोग्राम की बारिश में भिगोगे तो सर्दी लगनी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बारिश में भीगते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग बारिश में भीगते हैं तो सभी 100 लोगों को सर्दी नहीं लगेगी, उनमें से हो सकता है 50 लोगों को, 60 लोगों को, 70 लोगों को सर्दी लगेगी, फिर भी 20-30 लोग बच जाएंगे जिनको सर्दी नहीं लगेगी। अगर बारिश में भीगने से ही सर्दी लगती तो सारे के सारे 100 लोगों को सर्दी लगनी चाहिए, लेकिन सर्दी कुछ लोगों को लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है। क्यों?
क्योंकि कुछ लोगों को जिनको सर्दी लगती है उनका माइंड प्रोग्राम है कि बारिश में भीगने से सर्दी लगनी है, जिनको नहीं लगती उनका माइंड उस तरह से प्रोग्राम नहीं हुआ है। ये एग्जाम्पल, इसी तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की लेते हैं, क्योंकि मैं मैरिड हूं, शादीशुदा हूं, आई एम अ सिंपल मैन, मैरिड टू अ सिंपल वुमन एंड कॉम्प्लिकेटेड माय लाइफ, दो आई कॉम्प्लिकेटेड माय लाइफ, आई ट्राई टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग एल्स इन माय लाइफ, मजाक में बोल रहा हूं। व्हाट अबाउट मलेरिया? मलेरिया भी सर, मलेरिया ही नहीं, आप कोई भी बीमारी ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी वायरस और इनसे नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूं कि वायरस से होती है, मलेरिया भी एक वायरस है, जैसे मच्छर ने काटा और उससे मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया का एक मच्छर होता है, मलेरिया मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया। अब मलेरिया वाला मच्छर जिनको काटता है उन सबको मलेरिया होता है क्या? समझ रहे हैं आप? सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता, कुछ लोगों को नहीं। जिनको नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए उसको मलेरिया नहीं हुआ, किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसको मलेरिया हो गया। अब ये इम्यूनिटी स्ट्रांग किसी की क्यों है, किसी की इम्यूनिटी वीक क्यों है? जब हम गहराई से इसको सोचने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इट कनेक्ट्स टू द माइंड, समझ रहे आप? तो किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, किसी की इम्यूनिटी वीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड से कनेक्टेड है। और माइंड इज अ वास्ट सब्जेक्ट, कभी माइंड पावर की क्लास करेंगे तो उसमें इन डिटेल हम समझेंगे माइंड को, क्योंकि माइंड के बारे में अगर मैं सिखाना आज शुरू करूं तो जो मैंने जाना है, माइंड इज लाइक अ ओशन, मैंने उसका एक हो सकता है एक लोटा पिया है, जितना लोटा मैंने पिया है उतना भी अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो मुझे कम से कम एक साल लगेगा। एवरी डे वन आर टू आर थ्री आर हम क्लास करेंगे माइंड के बारे में, जो मैंने जाना है समझा है वो अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो उसको पूरा सिखाने में मुझे एक साल लग जाए, इतना कुछ माइंड के बारे में, तो बहुत गहरा साइंस है। खैर आते हैं, तो मैं ये कह रहा था रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मेरी वाइफ आती है और मुझे कुछ बोल देती है, वो मुझे चुप जाता है, ठीक है, और मैं वापस गुस्सा करता हूँ, हाँ मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मैंने ये कैसे हो, मैंने ना, ना, ना। हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। इस सीन को थोड़ा सा चेंज करते, मेरी वाइफ आए, उसने कुछ बोला और मैंने रिएक्ट करने की बजाय शांत रहा, कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर तक सुना, वो भी लड़ा कुछ बोली, वापस चली गई। थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, उसको ठीक तरीके से मनाऊंगा, वो मान जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पहले केस में हम दोनों ने लड़ाई की, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई। दूसरे केस में हम दोनों ने लड़ाई नहीं की, हालांकि सामने वाले का रिस्पॉन्स वैसा ही था, सामने वाले का एक्शन वैसा ही था, मैंने जो रिएक्शन दिया वो अलग हो गया, वो बदल गया, और जैसे ही मेरा रिएक्शन बदला मेरी परिस्थिति जो बाहर की थी वो बदल गई, और मैंने रिएक्शन कैसे दिया, समझ रहा माइंड से? पहले वाले केस में क्या किया कि मैंने गुस्सा किया, गुस्सा आया कहां मुझे, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हर्ट कहां हुआ, मेरा ईगो हर्ट हुआ, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे को क्या समझती है तू, ये वो, ये सारी चीजें कहां चली मेरे माइंड में, मेरे ईगो को हर्ट किया, मेरा ईगो हर्ट हुआ, ईगो कहां है, माइंड में है, मेरे ईगो को हर्ट हुआ और मैं रिएक्ट कर बैठा और लड़ाई कर बैठा और मेरे रिलेशनशिप को मैंने खराब कर दिया। दूसरे केस में मैं शांत रहा, शांत कहां रहता हूं, माइंड में रहता हूं, शरीर तो वैसे भी वैसे का वैसा है, शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है, मन में बदलाव आता है, मन में मैं शांत रहा, रिलैक्स रहा और मैंने ठीक तरीके से रेस्पॉन्ड किया। उस वक्त मैंने शांत रहा क्योंकि अब वो गुस्से में है, मैं भी गुस्सा करूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, मैं ये समझ रहा हूं, कहां समझ रहा हूं, मन में समझ रहा हूं, मैं शांत रहता हूं, थोड़ी देर के बाद जाके उससे बात करता हूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और हमारी जो प्रॉब्लम होने वाली थी उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। And this all happened because of my mind. So every problem arises in your mind. इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हीलिंग होती क्या है, ठीक है? जैसे योग में तैतरीय उपनिषद में आता है पंच कोश के बारे में, कितने लोगों को पता है कि हमारे पांच कोश या पांच शरीर होते हैं,
स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? यस या मी, टाइप इन द चैट बॉक्स। पांच शरीर हमारे होते हैं, कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? नो सर, नो सर, ओके, नो नो, यस यस, ऑल राइट, यस यस यस, सो मेनी आर यस, लिटिल फ्यू आर नो। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। यस यस यस, नो सर, नो सर, नो सर, ओके ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। जिन्होंने पांच शरीर के बारे में सुना है या जिन्होंने नहीं सुना है, सबको आज समझ में आ जाएगी कि हमारे ये पांच शरीर होते क्या है। हम अपने अस्तित्व को समझते हैं कि हमारा ये अस्तित्व है क्या। जब मैं कहता हूं कि मैं, what you can see is this physical body, लेकिन क्या मैं ये शरीर मात्र हूं या मैं कुछ और भी हूं? शरीर को देखने से, व्यक्ति के शरीर को देखने से उसके पूरे व्यक्तित्व का पता आपको चल जाता है क्या? नहीं चलता है। एक बार देखते हैं, हाँ, अगर आप फेस रीडर है या यू नो एनर्जी रीडर है तो बात अलग है, अदरवाइज चेहरे को देख के, शरीर को देख के उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि शरीर हम सबके एक जैसे हैं। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ लोग हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके साथ हम रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना? शरीर देखेंगे तो एक जैसे ही है सबके, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें आकर्षित करते हैं, कुछ लोग हम दूर भागते हैं। ऐसा क्यों? समझते हैं ये पांच शरीर होते क्या है। तो सबसे पहला शरीर जिसे योग कहता है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये फिजिकल बॉडी। स्थूल शरीर मतलब ये फिजिकल बॉडी, और ये फिजिकल बॉडी बहुत जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुलसीदास जी कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट बॉडी यू कैनॉट डू एनीथिंग। और ये बॉडी माइंड इज स्थूल शरीर है। नहीं समझ में आया जी, माइंड इज स्थूल शरीर है, मतलब सबका स्थूल शरीर ही है। हमारे शरीर को हम स्थूल शरीर बोलते, स्थूल शरीर मीन्स फिजिकल बॉडी। तो ये फिजिकल बॉडी बहुत ही जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के बगैर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि आपको अगर मोक्ष को भी प्राप्त करना है, अगर आपको एनलाइटनमेंट भी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको बॉडी शरीर धारण करना ही पड़ेगा। बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नहीं, स्थूल यानी मोटा नहीं होता जी, स्थूल यानी कि फिजिकल बॉडी, स्थूल यानी कि फिजिकल बॉडी। चाहे वो पतले हैं, मोटे हैं, जितना जिसका भी शरीर है, जो भी शरीर धारी है, अगर कोई शरीर छोड़ के आए हैं मेरी क्लास में तो उनका भी वेलकम है, क्योंकि बहुत से लोग अशरीरी भी मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, जिनका शरीर अभी नहीं है, छोड़ चुके हैं किसी वजह से, तो ऐसे लोग भी हमारी क्लासेस में होते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं। तो नथिंग टू वरी, दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू माई क्लास। बहुत से लोगों को भूत प्रेतों से डर लगता है ना। लेकिन मेरी क्लासेस में बहुत से भूत प्रेत भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं। एनीवे, टॉपिक बताते हैं, क्या बोल रहा था, इज इट ट्रू, फिर कभी बात करेंगे। आज इसको जोक में लीजिए, आज इसको मजाक में लीजिए, लेकिन फिर कभी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है? आज जो मैं बोल रहा हूँ मजाक नहीं बोल रहा। तो स्थूल शरीर को मैं बात कर रहा था, स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, चाहे आप पतले हैं, मोटे हैं, कुछ भी, ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सबसे पहला जो शरीर है, ये बनता कैसे है? ये बनता है टू स्मॉलेस्ट टाइनिएस्ट सेल्स यूनाइट इन मदर्स वूम, माँ के गर्भ में एक पिता का और एक माँ का अंश मिलता है, जो बहुत छोटे होते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो गर्भ में यूनाइट होते हैं और वो धीरे 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 बढ़ के एक पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आप अगर सोचेंगे इस सिस्टम के बारे में तो आपको आश्चर्य होगा। जैसे हम कैमरा यूज करते हैं, इतना मेगा पिक्सल, योर आई कैमरा इज 532 मेगा पिक्सल कैमरा है,
भगवान ने नेचुरली दिया इतना छोटा कैमरा, और 532 मेगापिक्सल का कैमरा, बड़ा सा वो डीएसएलआर जो आप यूज करते हैं ना उसका भी नहीं होता है, हाई रेजोल्यूशन, इसका हाई रेजोल्यूशन 50,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स को आप यू नो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपनी आंखों से, इतना पावर है। आपकी ब्रेन के अंदर एक सेकेंड में, ये साइंस कहती है, 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1,00,000 केमिकल रिएक्शन हैपनिंग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड में आंख बंद करके आंख खोला और 1,00,000 केमिकल रिएक्शन हो गए आपके ब्रेन। आप कुछ भी खा लेते हैं सारी चीजों को आपका पेट डाइजेस्ट करता है, तो पेट में लीवर और पैंक्रियाज और स्प्लीन ये सब मिलके जो एंजाइम्स और ये जो एसिड वगैरह सिक्रेट करते हैं, जो भी आप खाए उसके अकॉर्डिंगली, वो सारा इंटेलिजेंस आपके सिस्टम में है। हार्ट कितना बीट करना है, हार्ट कितना पंप करता है ब्लड, यू नो 6 लीटर ब्लड होता है लेकिन कई 100 लीटर एक दिन में वो पंप कर देता है, हार्ट हार्ट के अंदर जाता है फिर दूसरी जगह जाता है, यू नो सच अ वंडरफुल बॉडी इज क्रिएटेड नेचुरली विद इन अ मदर्स वूम। तो शरीर सबसे पहला, इसको योग कहता है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या स्थूल शरीर ही सब कुछ है? 100 किलो का एकदम भारी भरकम तगड़ा खट्टा कट्टा व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति है एकदम हट्टा कट्टा है, मान लीजिए 40-45-50 साल का या 60 साल का ही है, लेकिन हट्टा कट्टा एकदम रेसलर है, बहुत स्ट्रांग है बॉडी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और वो शरीर आपके सामने सोया हुआ है, 100 किलो का वजन का है, बहुत ही स्ट्रांग है, एकदम हट्टा कट्टा है, उसको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके प्राण चले गए हैं। अब मुझे बताइए, वो 100 किलो का भारी भरकम शरीर क्या उसकी एक छोटी सी उंगली को भी थोड़ा सा हिला सकता है? अगर वो मरा हुआ व्यक्ति है तो उसकी छोटी सी उंगली को थोड़ा सा हिलाएगा, और अगर आप उसके पास में खड़े हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, तो आप वहां से भाग जाएंगे डर के कि भाई भूत आ गया, समझ रहे हैं आप? तो अगर शरीर ही सब कुछ होता तो वो व्यक्ति जो 100 किलो का है, जो भारी भरकम है, जो एकदम फिट एंड फाइन है, अब तक कुछ नहीं हुआ उसको, सिर्फ इतना ही हुआ कि उसके प्राण निकल गए हैं, वो अपनी छोटी सी उंगली को भी नहीं हिला पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्राण चले गए। हम कहते हैं ना जब मर जाता व्यक्ति तो उसके प्राण चले गए, यानी कि प्राणों के बगैर आपका शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे मेरे अंदर प्राण काम कर रहे हैं, मेरा हाथ चल रहा है, मेरे दिमाग चल रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि प्राण मेरे अंदर है। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, तैतेरे उपनिषद कहता है प्राणस्येदं वसे सर्वं, इस प्राण के अंदर ही सब कुछ समाहित है, इस जगत में जो भी मूवमेंट है, जो भी मूव कर रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राण। प्राण नहीं है तो कुछ भी मूव नहीं करेगा। तो मेरे शरीर के अंदर जो प्राण है उस प्राण को योग कहता है प्राणमय कोश, यानी कि इस शरीर से भी कई गुना पावरफुल है प्राण। प्राण के बगैर ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, और प्राण इस शरीर के अणु अणु में व्याप्त है, समझ रहे हैं आप? तो प्राण को सेकेंड बॉडी कहा जाता है, दूसरा शरीर कहा जाता है, उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं योग की लैंग्वेज, ठीक है? तो प्राण से ही शरीर चल रहा है, और प्राण शरीर से भी बहुत पावरफुल होता है, बिना प्राण के शरीर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो कुछ नहीं कर सकता। अब मैं जिंदा हूं, मेरे शरीर में प्राण भी है, मैं जिंदा हूं, सब कुछ है, लेकिन बाहर कोई भिखारी आता है और चिल्लाता है बाबा कुछ दे दो, बाबा कुछ दे दो, ठीक है? अब मैं यहां पर क्लास कर रहा हूं या मैं किसी और काम में व्यस्त हूं, मान लीजिए मेरा मन नहीं है उठ के जाने का। अगर मेरा मन नहीं है उठ के जाने का, दो आई हैव द बॉडी, दो आई हैव द प्राण इन द बॉडी, विल आई गो? मेरा मन नहीं है जाके उसको कुछ देने का, तो क्या मैं उठकर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। शरीर भी है, शरीर में शरीर से भी पावरफुल प्राण भी है, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो प्राण को भी चलायमान करता है मन। अगर मेरा मन हो गया कि चलो यार बेचारा मांग रहा है दे देते हैं, ये कहां कौन कह रहा है? मेरा मन, मन हो गया तो दे दूंगा, मन नहीं हुआ तो मैं उठ के नहीं जाऊंगा, यानी कि मेरे प्राणों को चला कौन रहा है? मेरा मन। उसी को योग कहता है मनोमय कोश या मनोन्मय कोश।
हमारा तीसरा शरीर जो है वो है हमारा मन। मन के बगैर प्राण भी कुछ नहीं कर सकते, तो मन जो है प्राण से भी ज्यादा पावरफुल है। समझ रहे हैं? आपके सामने अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिनों से आपसे दूर था, अचानक आपके सामने आ गया, आप भागेंगे, जाएंगे और उसको आलिंगन हग करेंगे। आपका शरीर भागा, प्राण की वजह से भागा, लेकिन मन ने कहा कि मेरा प्रियतम आ गया और मैं भाग के उसको आलिंगन करूं, मैं उसको हग करूं, गए और हग किया। ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने अचानक आ जाता है जिस पे आपको गुस्सा है, जिसको आपको देखते ही गुस्सा आता है, वो व्यक्ति जैसे ही सामने आया आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, आप ऐसा व्यक्ति क्यों आ गया, आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं। प्राण चलायमान होते हैं जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं, मन में कुछ हो रहा है, आपका प्रियतम सामने आया, मन में कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास भाग के जाना है, आपके अंदर खुशी पैदा हुई, आपके प्राणों ने उस तरह से चलन शुरू किया, आप उसके पास जाएंगे, उसको हग करेंगे। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया जिसको देख के आपको इरिटेशन होता है या गुस्सा आता है, आपके शरीर में कुछ हलचल हुई, आपके प्राणों में कुछ हलचल हुई और वो प्राण आपको दूर लेके जा रहे हैं क्योंकि आपके मन के अंदर वो इरिटेशन पैदा। यानी कि मन जो है आपके शरीर और प्राणों से भी बहुत पावरफुल है और मन इन सारी चीजों को चलाता है, उसको मनोमय कोष तीसरा शरीर कहते हैं। अब मन भी है लेकिन मन में एक फैकल्टी है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। मान लीजिए अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि भिखारी आया, कुछ लोग कहते हैं कि भिखारियों को कुछ दे देना चाहिए, चलो उनका भला हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जो कहते हैं कि भिखारियों को कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि भिखारियों को हम देते हैं तो हम उनकी आदतों को बिगाड़ते हैं, उनको भीख मांगने पे और प्रोत्साहित करते हैं, तो उनको भीख नहीं देनी चाहिए। तो अब मेरे मन में ये दोनों चीजें चल रही है, एक कहता है कि भिखारी को कुछ दे देना चाहिए ताकि उसका भला हो, हमारा भी भला हो, और कुछ लोग कहते हैं कि भिखारी को कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको देने से आप उनका बुरा कर रहे हैं। तो ये उस वक्त मुझे डिसाइड करना होता कि भिखारी तो आ गया, अब मुझे देना है कि नहीं देना है, अब मुझे निर्णय कौन सा लेना है। मेरा मन भी है, एक मन कहता है कि देना है, दूसरा मन कहता है कि नहीं देना है। तो ये जो डिसाइड करता है और डिसाइड करके फाइनल निर्णय पे आप पहुंचते हैं जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, योग उसे विज्ञानमय कोष या ज्ञानमय कोष कहता है, वो हमारा चौथा शरीर होता है। और पांचवा शरीर जो होता है आनंदमय कोष हम बोलते हैं उसको, ब्लिस, व्हेन यू आर कंप्लीटली इन ब्लिस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप इतने आनंद में होते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां पर है, आपका शरीर आसपास में कुछ भी नहीं याद रहता है, एकदम ब्लिस में चले जाते हैं। दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो ब्लिस आप आनंद जो फील करते हैं उसको योग कहता है आनंदमय कोष। तो इस तरह से हमारे पांच अलग अलग शरीर होते हैं, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी। तो जैसा मैंने कहा, अब टॉपिक पे आते हैं कि फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स है और ये सारी प्रॉब्लम हमारे मन में शुरू होती है, और मन और शरीर के बीच में एक चीज है प्राण। मन में और शरीर के बीच में जो है वो है प्राण, और मन को हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। जैसे किसी व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को सडनली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। योर ब्रेथ इज अंडर योर कंट्रोल। और ध्यान से सुनना कि आपकी सांसें आपके मन के हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन के साथ जुड़ी होती है। योर एवरी ब्रेथ इज कनेक्टेड विद योर डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन। जब आप गुस्से में होंगे तो आपकी सांसों की रिदम अलग होगी, जब आप खुशी में होंगे तो आपकी सांसों की रिदम अलग होगी, और वाइस वर्सा। जैसे आप सांसों की रिदम को बदलते हैं आप अपने मन को बदल लेते हो, जैसे आप अपने मन को बदलते हैं आप अपने शरीर या फिजिकल लेवल पर जो भी चल रहा है उसको बदल लेते हैं। कभी करके देखिएगा ये प्रयोग, बहुत सिंपल प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कभी भी लो फील करते हैं, आजकल बहुत से लोग लो फील, किसी को पूछो यार आई एम फीलिंग लो, बोलते आई एम फीलिंग लो। ये लो फीलिंग क्या होता है पता नहीं, I never know this, ना हम तो हमेशा हाई फील करते हैं। मैं हमेशा हाई फील करता रहता हूँ, इसलिए हमेशा मजाक करता रहता हूँ, और कभी कभी मेरी मजाक से कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार ये क्या हमेशा मजाक करता रहता है, हमेशा मतलब
जॉली रहता है, मैं हमेशा जॉली रहता हूँ। कुछ लोग परेशान होते हैं, उन परेशानी वाले लोगों को मैं मजाक करके हंसा देता हूँ, उस वक्त तो वो हंस देते हैं लेकिन कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। तो कभी कभी आई बिकम हेल्पलेस कि यार क्या करूँ मैं ऐसा ही, बिकॉज आई ऑलवेज फील हाई, आई नेवर फील लो। तो लेकिन लो फील करते हैं लोग, आप में से बहुत से लोग लो फील करते होंगे। तो लो फील जब भी आप करते हैं, आप अपनी सांसों की रिदम को देखिए, ये बहुत शैलो होगी, बहुत शैलो ब्रीदिंग होगी आपकी। जब भी आप लो फील करते हैं, जब भी आप डिप्रेस फील करते हैं, जब भी आप गुस्सा फील करते हैं, जब भी आप कोई भी नेगेटिव इमोशन है, आप सिर्फ इतना कीजिए, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ गहरी सांस लीजिए, आप गहरी सांस लीजिए। जैसे कोई अभी लो फील कर रहा है, यस मैडम रंजना राय जी, टुडे आई एम फीलिंग लो हैविंग वीकनेस, ओके। अभी आप प्रयोग करके देखिए, आराम से बैठिए, आप सुनते जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, 3 से 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करके देखिए, और उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है आप टाइप बॉक्स में मुझे, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा, ठीक है। जिसको भी लो फील हो रहा है, कभी भी, अभी नहीं, कभी भी आपको लो फील होता है, जस्ट चेक योर ब्रेथ एंड स्टार्ट डूइंग सम डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस अंदर लेना है और पूरी सांस बाहर छोड़ना। जस्ट डू दिस 2-3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी, योर कंप्लीट एनर्जी विल गेट शिफ्टेड टू द हायर लेवल, एंड जो लो फीलिंग है, जो डिप्रेस फीलिंग है, जो दुख की फीलिंग है, जो गुस्से की फीलिंग है, वो कंप्लीटली बदल जाएगी आपकी। सेम हियर, आई फील रिलैक्स नाउ, सी विद इन 1 or 2 मिनट्स ऑल्सो यू फील रिलैक्स, यू फील डिफरेंट। तो हम मन को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन प्राणों को हम एड्रेस कर सकते हैं। शरीर और मन, शरीर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मन में अराइज होती है, लेकिन मन को हम डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकते हैं, शरीर को हम डायरेक्टली हील नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राणों को हम बदल सकते हैं। तो प्राणों को बदल के हम मन को बदलते हैं, और जैसे ही हम मन को बदलते हैं, हम शरीर में या फिजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। Are you with me so far? कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? Same page? Are you all on the same page? Just type same page in the chat box if you are on the same page. अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप मेरे साथ हैं अब तक तो। Okay, same page, wonderful. All right. Great. समझ रहे हैं आप? एकदम सरल है हीलिंग को समझना। आपके फिजिकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी है, और बीमारी के बारे में एक और मैं आपको बता दूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैन सी ओनली योर फिजिकल बॉडी, समझ रहे हैं आप? शरीर में जो भी बीमारी है वो बीमारी मात्र डॉक्टर को दिखती है, लेकिन आपका जो अस्तित्व है, ध्यान से सुनना इसको, आपका जो अस्तित्व है उसका जस्ट 2% इज योर फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपका जो फिजिकल बॉडी है इट इज ओनली 2%, 98% जो है वो अनसीन है, वो प्राण है, वो मन है, वो आपकी एनर्जी है, वो आपके कर्मास है, वो आपकी सारी चीज है। डॉक्टर के पास जब हम ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो दे कैन ट्रीट ओनली योर 2% ऑफ योर पार्ट, नॉट दैट 98%। That doesn't mean I am not telling you not to go to doctors. डॉक्टर के पास मत जाइए नहीं बोल रहा, कुछ बीमारियों में डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल शरीर को बहुत जल्दी ठीक करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के पास जाके आप सारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ड्रगलेस थेरेपी से ही हम ठीक कर सकते हैं, और जब आपका मन स्ट्रांग होगा, पिछले दिनों जब कोविड, 2 साल से कोविड से परेशान थे, उस वक्त मैं बार बार क्लासेस लेके लोगों को यही कहता था कि आप डरिए मत, कुछ भी हो जाओ, और मेरे घर में जिसको भी कोविड हुआ, विदाउट गोइंग टू डॉक्टर्स वी ट्रीटेड एवरीबॉडी एट होम, विदाउट आइसोलेशन, विदाउट किसी को आइसोलेट नहीं किया, जिसमें घर में जिसको भी कोविड हुआ सिर्फ अच्छा खाना दिया, अच्छा ट्रीटमेंट दिया घर पे ही, और सब लोग हम ठीक थे। मैंने कभी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया, मास्क सिर्फ वो क्योंकि मार्शल वगैरह खड़े होते थे तो यहाँ पर लगा के जाता था, मैं तो कभी मास्क नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग था, और जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहे वो सब बच गए, जो पैनिक हो गए, जो डर गए,
वो लोग आज हमारे बीच बहुत से लोग नहीं है। तो कहां था मैं, कोविड का एग्जांपल क्यों दे, पता नहीं। तो माइंड और शरीर के बीच में प्राण है, और प्राण का दूसरा नाम है रेकी। रेकी ही प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को ही रेकी कहते हैं। प्राण को स्टिमुलेट करने के, प्राण में अगेन 10 तरह के प्राण होते हैं, पंच प्राण बोलते हैं, जैसे पंच उप प्राण होते हैं, प्राण अपान समान उदान अभियान, ये पांच प्राण होते हैं। फिर पांच उप प्राण होते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, उन सारे डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो प्राण को हम ब्रीदिंग के माध्यम से, इसलिए योग में भी प्राणायाम का बहुत महत्व है। ये जो प्राणमय कोश होता है उसमें हम कहते हैं कि 72,000 नाड़ीज होती है, और उन नाड़ीज में सम साउंड डिस्टर्ब क्लास बैकग्राउंड सॉन्ग, डोंट वरी इट विल गो, बाहर कुछ साउंड होगा शायद चला जाएगा। तो हम अब थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ेंगे, लगभग 1 घंटा हो गया हमें शुरू करके। एक छोटा सा ब्रेक भी चाहिए, तो हम 1-5 मिनट बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्राणमय कोश होता है, जैसे मैंने कहा, इस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ीज होती है, 114 चक्रास होते हैं, उसमें से 112 आर द मेजर चक्रास। ये चक्र में से 112 जो चक्र होते हैं उसमें से 7 चक्र जो अगेन होते हैं, आपने चक्रों के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो एडवांस लेवल में जब आएंगे तो चक्रों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये 7 चक्र हमारे शरीर के 2 भाग कर लीजिए, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस तरफ 36 नाड़ीज होती है, इस तरफ 36 नाड़ीज होती है, और उन नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है। रंजना राय, ना सर, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सी जस्ट बाय चेंजिंग योर ब्रेथ। इसको हमेशा याद रखिए आप सब लोग, मुझे पता था आप में बदलाव आएगा। रंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग दिस लाइव डेमो। आप सब लोग समझ रहे हैं, मतलब आपकी ब्रेथ को जैसे ही आप चेंज करते हैं, आप अपने मन को बदल देते हैं, और जैसे ही मन को बदल देते हैं, आपके शरीर में एकदम लाइट फील होना शुरू हो जाता है, हेल्दी फील होना शुरू हो जाता है। दैट इटसेल्फ इज अ हेल्थ। जस्ट बाय चेंजिंग योर ब्रेथ यू कैन चेंज योर माइंड एंड यू कैन चेंज योर बॉडी। समझ रहे हैं? तो हमारे प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां होती है। जैसे हमारे इस बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है, वेन्स होते हैं ना, जिसमें ब्लड जाता है, खून जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राणमय कोश है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उन प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होता है। 36,000 राइट साइड में होती है, 36,000 लेफ्ट साइड में होती है, और बीच में ये जो 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्र इन नाड़ियों के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जहां पर भी प्राण का प्रवाह ब्लॉक होता है, वहां पर हमें बीमारी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब यह कि हार्ट में जो नाड़ियां जा रही, जो प्राण को लेके जा रही है, उन नाड़ियों के बीच में ब्लॉकेज आ गया है। आपको हेडेक होता है, तो इसका मतलब है कि हेड में, ब्रेन में जो नाड़ियां जा रही है प्राण को लेकर, उन नाड़ियों में ब्लॉकेज आ गया है। इट इज जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन द वॉटर पाइप्स, पानी के पाइप्स है, और अगर पानी के पाइप के बीच में ब्लॉकेज आ गया है, तो पानी प्रवाहित नहीं होगा, जहां पर पहुंचना है पानी वहां नहीं पहुंचेगा। वैसे ही ये प्राणवाहिनी नाड़ियां होती है, इनमें जब ब्लॉक आ जाता है, तो प्राण वहां पर प्रवाहित नहीं होते हैं। तो जब प्राण वहां पर प्रवाहित नहीं होते हैं, तो वहां पर बीमारी, पेन और अलग अलग तरह की इरिटेशन शुरू होते हैं। घुटनों में दर्द है, इसका मतलब है कि घुटनों में प्राण का प्रवाह रुका हुआ है। आंखों में प्रॉब्लम है, नजर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आंखों में प्राण प्रवाह रुका हुआ है। कानों की प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको पेन है, जो भी आपको परेशानी है, उस पर्टिकुलर अंग में प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। अब ये प्राण जो है शरीर के अंदर ही नहीं, अपने पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपका बिजनेस सही नहीं है, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, वहां पर प्राण ठीक तरीके से प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर, शरीर में प्राणमय कोश होता है, वहां पर भी होता है कि एवरी एटम हैज 5 एलिमेंट्स इन इट। हर एटम,
ये पूरा अस्तित्व, ये जो पूरा संसार बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये पांचों तत्व हमारे पांचों शरीरों से जुड़े हुए होते हैं। तो हर एक चीज जो आपके जीवन में है वो इन पांच शरीरों से, प्राण से जुड़ी हुई है। आपका बिजनेस ठीक नहीं है उसका मतलब है कि वहां पर जो एनर्जी का फ्लो है वो ठीक नहीं है। उस एनर्जी के फ्लो को आप ठीक कर देंगे, आपकी वहां की परेशानी ठीक हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई वास्तु का दोष है, इसका मतलब है कि वहां के वास्तु के दोष की वजह से आपकी वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, प्राण एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, उस प्राण के प्रभाव को आप ठीक कर देंगे वो ठीक हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगेन द प्राण एनर्जी व्हाट इज फ्लोइंग देयर इज नॉट प्रॉपर। समझने की कोशिश करना, किसी के साथ अगर आपके संबंध खराब है तो इसमें प्राण क्या करेंगे? जी हाँ, इसमें भी प्राण का ही हाथ। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपको गालियां देता है, आपको अच्छा लगता है। दूसरा व्यक्ति आपके सामने आता है और आपको थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर का इक्का दुक्का इतना सा कुछ कह देता है तो आपको बुरा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप दोस्त दोस्त में कहते हैं ना, साले कमीना है तू। अब साला कमीना सब बैड वर्ड्स है, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त आपको साला कमीना कहता है तो आपको लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके और आपके दोस्त के बीच की जो प्राण ऊर्जा है वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है। इसलिए आपका दोस्त अगर आपको कमीना कहता है, कुत्ता कहता है और वो एफ और सी वर्ड भी यूज करते हैं तो भी आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हैं मान लीजिए, और वो आपके बारे में, आपके सामने नहीं किसी और को भी कहा और आपने सुना कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा, आप यहां पर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, विल स्टार्ट बॉइलिंग अप हियर। क्यों? क्योंकि आपके और उस व्यक्ति के बीच की जो प्राण ऊर्जा है वो नकारात्मक हो पड़ी है, वहां पर ब्लॉकेज है। समझ रहे आप? उस प्राण ऊर्जा को सकारात्मक बना देंगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, उसके और आपके संबंधों में जो खटास आई है वो भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्राण ऊर्जा को ठीक करना, इस प्राण ऊर्जा को ठीक तरीके से प्रवाहित करना ही रेकी हीलिंग है। रेकी इज अ जापानीज वर्ड। इसमें दो वर्ड्स है, रे एंड की, आर ई आई एंड के आई। रे मीन्स यूनिवर्सल या गॉडली, और की का मतलब होता है एनर्जी, गॉडली एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी या प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उसी को जापानीज में रेकी कहा जाता है। तो इस प्राण ऊर्जा के प्रवाह को जैसे ही हम ठीक करते हैं, हम अपने जीवन में आई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं, और इसी को कहते हैं रेकी। अब ये प्राण ऊर्जा क्या है? ये प्राण ऊर्जा हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं तब से फ्लो होती है, और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती है, हमारे ऑरा में प्रवाहित होती है, हमारे चारों तरफ प्रवाहित होती है। किन्हीं वजह से जब ये ब्लॉक हो जाती है तब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, और इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम अपने मन की शक्ति से या गुरु के आशीर्वाद से, जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं रेकी में जब हम इनिशिएट कर देते हैं तो हमारे हाथों से वो प्राण ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। इस प्राण ऊर्जा को हम अभी फील करते हैं, उससे पहले एनीबडी वॉन्ट अ ब्रेक? थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लीजिए, थोड़ा अगर बहुत देर से बैठे तो थोड़े खड़े हो जाइए, इधर उधर कीजिए, थोड़ा शरीर को ऐसे मोड़िए, फ्रेश फील कीजिए, ऐसे कीजिए, जस्ट मेक योर बॉडी कंफर्टेबल। यस, 5 मिनट्स तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जिनको भी रेस्टरूम अटेंड करना है रेस्टरूम अटेंड कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ सो दैट यू नो आगे क्लास और आराम से चल सके। सो 2 से 3 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी इट इज 12:14 नाउ, 12:17 वी आर मीटिंग अगेन। लॉग इन ही रहिए, लॉग आउट मत होइए, जस्ट जाइए रेस्टरूम अटेंड कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा इधर उधर हिलिए डुलिए और वापस आ जाइए। 3 मिनट्स ब्रेक, 12:17 वी आर रिज्यूमिंग, ठीक है? 3 मिनट का ब्रेक, जल्दी आइए वापस।
All right, welcome back. सब लोग आ गए वापस. All right. दीपक जी ज्वाइन नाउ. कोई बात नहीं जी, वेलकम. जो भी अभी ज्वाइन हुए उनको भी वेलकम है. ओके, तो अब तक हमने समझा कि हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या होती है. हमने ये भी समझा कि हीलिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है. हमने ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ होती है और प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, और शरीर में प्रॉब्लम शुरू होती है और मन में इसकी शुरुआत होती है. और हमने ये भी समझा कि मन और शरीर के बीच में होता है प्राण, और प्राण को बदलने से मन में बदलाव लाते हैं, और मन में बदलाव लाते ही हमारे शरीर या फिजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम बदलाव ले आते हैं. प्राण को बदलने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं. प्राणायाम उसमें से एक है. प्राण को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी. प्राण को बायोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है. और रेकी ही प्राण ऊर्जा है. रेकी का मतलब है प्राण ऊर्जा, जिसमें दो वर्ड्स है, रे और की. रे का मतलब होता है यूनिवर्सल या गॉडली, की का मतलब होता है एनर्जी या प्राण. रेकी सिंपली मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी और गॉड्स एनर्जी और प्राण एनर्जी. रेकी का सिंपल मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी या भगवान की ऊर्जा या प्राण ऊर्जा. रेकी इज बेसिकली अ टच हीलिंग मॉडलिटी. बेसिकली शुरुआत इसकी टच हीलिंग से हुई थी. इसका बैकग्राउंड क्या है? कहा जाता है कि हालांकि रेकी वर्ड जो है ये जापान का शब्द है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हमारे इंडिया से ही हुई थी. कहते हैं कि पुराने जमाने में जैसे बुद्ध थे या दूसरे ऋषि मुनि थे, वो लोगों को टच करके उनको हील किया करते थे. जैसे ही किसी ऋषि मुनि के पास हम जाते थे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उनको बोलते थे और वो आपको ब्लेस करते थे. इवन ब्लेसिंग इज अ काइंड ऑफ हीलिंग, है ना. वो ब्लेस करके वो क्या करते थे, वो एक्स्ट्रा प्राण ऊर्जा आपको देते थे. और जैसे ही उस एक्स्ट्रा प्राण ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित होते थे, आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती थी. और कहा जाता है कि ये इंडिया से तिब्बत गई और तिब्बत से फिर अटलांटा कॉन्टिनेंट जो है, जो महाद्वीप है, वहां पर गई. और उस जमाने में वहां पर बहुत से लोग थे, घर घर में, मतलब ये इतना पॉपुलर था कई सौ या हजारों साल पहले. उसके बाद जब अटलांटा कॉन्टिनेंट जो है, जो महाद्वीप है, वो पानी में डूब गया था कैटास्ट्रोप की वजह से, उसके बाद ये दुनिया से खत्म हो गई थी. उसके बाद एक जापान के डॉक्टर है, डॉक्टर मिकाओ उसुई उनका नाम है. उनका फोटो मैं आपको दिखाता हूं. ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई. 1865 से लेकर 1926 तक ये जापान में रहे, और ये सर्जन थे, पेशे से डॉक्टर थे, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे. कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे और सर्जन डॉक्टर भी थे. तो ये मेडिसिन से लोगों को पहले हील करते थे. छोटी सी कहानी इसके पीछे कि ये मेडिसिन से पहले लोगों को हील करते थे. तो कुछ लोग हील हो जाते थे, कुछ लोग हील नहीं होते थे. तब इनको किसी ने कहा कि आप बुद्धिस्ट मॉन्क है और बुद्ध टच करके हील कर दिया करते थे, क्या आप वैसा नहीं कर सकते. तो इनको कहीं ना कहीं दिमाग में लगा कि यार हाँ, ऐसा कुछ होना तो चाहिए ना. तो कहा जाता है कि जापान में एक पहाड़ी है जिसका नाम कुरुमा है. उस कुरुमा पे जाके इन्होंने 21 दिन की तपस्या की, यानी कि 21 दिन तक पहाड़ के ऊपर खड़े रहकर इन्होंने तपस्या की. और कहा जाता है कि 21वें दिन मिडनाइट 12 o'clock
आकाश से एक सफेद रोशनी आती है और इनको सिर को टच करके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है एंड ही फील्स कि ही हैज गॉट समथिंग। वो पावर, रेकी का जो पावर होता है वो उनको मिल जाता है। और कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि वो जैसे ही उनको वो पावर मिला वो बहुत खुश होकर खुशी के मारे वो भागने लगे। जैसे ही वो भागने लगे थोड़ा सा पत्थर से टकराए और गिर गए थे। और जब वो गिर गए तो उनको चोट लगी, उनको थोड़ा दर्द हुआ। तो जैसे ही उनको दर्द हुआ वो पांव पे उन्होंने हाथ रखा आ करते हुए, और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा इमीडिएटली उनका पेन रिलीफ हो गया, पेन ठीक हो गया। तब उन्होंने रियलाइज किया कि वाकई में मुझे कुछ ऐसी शक्ति मिल गई है जिसकी वजह से मैं लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। उसके बाद वो नीचे आते हैं और अपना एक क्लिनिक सेटअप करते हैं और उसके बाद से वो मेडिसिन को छोड़ के सिर्फ रेकी से दूसरों को हील करना शुरू करते हैं। अपने आखिरी दिनों में जब उनको लगता है कि अब अगर मैं रेकी दूसरों को नहीं सिखाऊंगा तो ये मेरे साथ ही वापस गायब हो जाएगी, क्योंकि कई सालों तक ये लोगों के पास नहीं थी, तो उन्होंने उस विद्या को कुछ और लोगों को सिखाया, जिसमें है चुजिरो हयाशी जो उनके स्टूडेंट थे। चुजिरो हयाशी उनका नाम है। He was the first student of उसुई, डॉक्टर उसुई। और डॉक्टर उसुई को कहा जाता है he is the propagator of रेकी, यानी कि रेकी दुनिया को देने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो डॉक्टर उसुई थे, इसीलिए रेकी को उसुई रेकी भी कहा जाता है। और उसुई के बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। और उनसे जब चुजिरो हयाशी जापान में प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो यूएस की एक मैडम थी जिसका नाम था मिसेस मैडम टकाटा, टकाटा टी ए के ए टी ए टकाटा, टकाटा या टकाटा बोलते हैं उनको। तो मैडम टकाटा जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वो भी अपना ट्रीटमेंट यूएस में करवा रही थी, लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि जापान में ऐसे कोई डॉक्टर चुजिरो है हयाशी है उनके पास आप जाइए। तो मैडम टकाटा यूएस से फ्लाई होके जापान आती है, चुजिरो हयाशी से वो पहले ट्रीटमेंट लेती है और रेकी से वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है तो उनको लगता है कि ये वाकई में कुछ पावरफुल चीज है, ये मुझे सीखनी चाहिए। तो फिर मैडम टकाटा चुजिरो हयाशी से ये विद्या सीखती है रेकी की, और रेकी सीखने के बाद वो अमेरिका चली जाती है और अमेरिका में प्रैक्टिस शुरू करती है। और आप लोगों को पता है जो चीज भी अमेरिका में आ गई वो पूरी दुनिया में आ गई। ये पता नहीं ट्रेंडी हो गया है, जो अमेरिका में आ गई सबसे पहले कोई चीज अमेरिका में आई तो वो दुनिया में आ जाती है। तो अमेरिका से डॉक्टर मिसेस टकाटा ने इस विद्या को स्प्रेड किया और आज थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ रेकी मास्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। रेकी की अलग अलग वैरायटीज पैदा हो गई, जैसे रेकी सबसे पहले जो बेसिक लेवल है, जो बेसिक रेकी है वो उसी रेकी ही है। उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ा, उस अपनी ओर से जोड़ने के बाद उसको कुछ अलग नाम दिया, जैसे करुणा रेकी है, रेनबो रेकी है, यू नो मिल्क चैन रेकी है, और अलग अलग तरह की रेकी है, क्वालिफायर रेकी है। तो ये अलग अलग मास्टर्स जो रेकी के थे उन्होंने अपनी ओर से कुछ और उसके साथ जोड़ा। और रेकी ऐसी है विद्या कि ये रेकी एनर्जी सब एक ही है, लेकिन इसके साथ अगर आपकी कोई टेक्निक है उसको भी जोड़ देते हैं तो रेकी को कोई आपत्ति नहीं होती है। रेकी के साथ आप दूसरी किसी भी सिस्टम को जोड़ के मिक्सअप करके अपनी ट्रीटमेंट या दूसरों की ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की रेकी हुई, लेकिन सब की रेकी के बेस में एक ही रेकी है, उसको हम कहते हैं उसुई रेकी। तो ये जो रेकी है उसुई रेकी, रेकी का मतलब क्या होता है, प्राण ऊर्जा। अब इसमें रेकी सीखते कैसे है, एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं अट्यूनमेंट या इनिशिएशन। ये इनिशिएशन क्या होता है और ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा तो प्रवाहित होती है, अब इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे लीजिए, ये सब लोग करेंगे, प्रैक्टिकली करते हैं कि अपने हाथों के अंदर कैसी ऊर्जा है, कैसे हम इसको फील कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए और अच्छी तरह से रब एक बार रब कीजिए। सब लोग करेंगे, जिनको भी एक्सपीरियंस करना है कि रेकी होती क्या है, थोड़ा अच्छी तरह से रब कीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए। अब हाथों को ऐसे दूर लाइए, एक फीट के फासले पे लाइए और धीरे धीरे हाथों को करीब लाइए, करीब लाइए, करीब लाइए, करीब लाइए। टच नहीं करना है, करीब लाना, धीरे धीरे करीब लाना है। लगभग एक दो इंच दूरी रखेंगे और फिर धीरे धीरे दूर ले जाएंगे। और दोनों हाथों के बीच में आपको फील करना है, आपको कोई पुल या पुश फील हो रहा है क्या,
जिसको फील हो रहा है यस आई फील करके चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। कुछ लोगों को ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को कम लगेगा। कुछ फील हो रहा है जैसे कुछ बीच में है, कुछ दोनों हाथों के बीच में कुछ है, जैसे कुछ कुछ खींच रहा है या कुछ धकेल रहा है, समथिंग इज पुलिंग और पुशिंग। कितने लोगों के पुलिंग या पुशिंग फील हो रहा है देखिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दिस पुल और पुश? यस आई फील वन वंडरफुल शर्मा जी। यस और किसको फील हो रहा है? आई यस रेखा जी गुड फीलिंग एनर्जी। प्रियंका यस 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 वंडरफुल वंडरफुल यस। सो दिस इज बायो मैग्नेटिक एनर्जी हम बोलते हैं, यही रेकी एनर्जी है। हम सब के अंदर ये विद्यमान है, हम सब लोग हीलर है, हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं और हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। रेकी के अंदर जब हम रेकी हीलर बनते हैं तो हम रेकी हीलर को रेकी चैनल कहते हैं, यानी कि रेकी ऊर्जा हमारे अंदर जो प्रवाहित है इसी की वजह से हम जिंदा है, और इसी ऊर्जा को हम आकाश में यानी कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसको हम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा जितना चाहिए उतना ले सकते हैं और हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और दूसरों को देते हैं। अब ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने के लिए डू वी लूज एनर्जी वाई हीलिंग? नो वी डू नॉट लूज एनी एनर्जी एट ऑल। मेरी क्लास को पूरा सुन लीजिए, मैं आखिर में आपके सारे क्वेश्चन लूंगा। ऑल योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे 100%, नो डाउट। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा तो भी मैं रुकूंगा और आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको देके जाऊंगा। धैर्य रखें और आखिर में आपके सारे क्वेश्चन मुझे पूछे, लिख के रख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है? तो होता क्या है, हमारे अंदर ये रेखी प्रवाहित होती है और इसी की वजह से हम जिंदा, इसी की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ चल रहा है। और जब हम रेकी चैनल बनते हैं, रेकी चैनल कैसे बनते हैं? रेकी गुरु जो रेकी मास्टर होता है वो आपको ब्रह्मांड में ऊर्जा है। इट इज जस्ट लाइक आपका घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो गई है और इस वायरिंग को हम ट्रांसफार्मर से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही ट्रांसफार्मर से ज्वाइन करते हैं यहाँ पर स्विच ऑन करते ही लाइट जलती है। तो ये ट्रांसफार्मर से ज्वाइन करने वाला जो सिस्टम है, मान लीजिए कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसको कनेक्ट करना है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। उसके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपकी जो एनर्जी मेरिडियन है, जो एनर्जी सिस्टम, जो एनर्जी रिसीव करता है उसको क्लीन करना पड़ता है। उसको क्लीन करके आपको उस सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप उस सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं आप रेकी चैनल बन जाते हैं, यानी कि वहां पर ब्रह्मांड में अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, जितनी आपको चाहिए उतनी एनर्जी है, बस उस एनर्जी को लेना है और दूसरों को देना है। और जब हम रेकी चैनल बनते हैं, रेकी हीलर्स को हम रेकी चैनल बोलते हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी नहीं देते हैं। रेकी हीलर तब बोलते हैं जब आप खुद अपनी एनर्जी दूसरों को देते हैं, लेकिन हम होते हैं रेकी चैनल। हालांकि हम बाहर कहते हैं कि हम रेकी हीलर हैं, लेकिन होते हम रेकी चैनल ही है। रेकी ब्रह्मांड में है, वहां से हम लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से वो फ्लो होती है। इसलिए हम अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं, आई रिपीट, हम अपनी एनर्जी किसी को नहीं देते हैं, हम ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को दूसरों को देते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं भी है, अगर आप बीमार भी है, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान भी है, तो भी अगर आप रेकी हीलर बनके दूसरों की हीलिंग करते हैं तो दूसरों की हीलिंग हो जाएगी। भले ही आप अपनी हीलिंग ना कर पाए, उसके पीछे अलग अलग कारण हो, लेकिन अगर आप अपनी परेशानी को उस वक्त जब आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, अपनी परेशानी को साइड में रख के दूसरों को हीलिंग करेंगे तो उस व्यक्ति की हीलिंग हो जाएगी। कई केसेस में मैंने देखा है, कई केसेस में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैंने नई नई शुरू की थी तो मैं इस रेकी में कैसे आया वो भी मेरी अपनी कहानी मैं आपको बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैं अपनी परेशानी को साइड में रखी क्योंकि जब मैंने रेकी सीखा था 2008-09 में, तब मेरे गुरु ने कहा था कि आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, अगर आप एक बार रेकी हीलर बन गए तो यू आर अ रेकी चैनल एंड यू कैन हील एनीबॉडी। तो जब आप दूसरों को हील करते हो तो अपनी परेशानी को साइड में रख दो और उसको हील करो, पूरा विश्वास रखे हील करो, उसकी हीलिंग हो जाएगी और लोगों की हीलिंग होती थी, ठीक है? तो बहुत आसान है ये जो अट्यूनमेंट या इनिशिएशन हम बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है इसमें। और ये कौन करता है? ये एक रेकी गुरु ही कर सकता है। और आज टू ऑल ऑफ यू आई एम गोइंग टू गिव यू सेल्फ हीलिंग अट्यूनमेंट। ये क्या होता है सेल्फ हीलिंग अट्यूनमेंट? सेल्फ हीलिंग अट्यूनमेंट मतलब आप अपने आप की हीलिंग कर पाएंगे आज के बाद। बहुत ही सिंपल अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, हम करेंगे और उसके बाद अपने आप की हीलिंग कैसे करनी है उसका एक मेडिटेशन आपको सिखाऊंगा,
उसके बाद आप अपनी खुद की हीलिंग रेगुलरली कर पाएंगे। और रेगुलरली ये प्रोसेस जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत सी परेशानियां को आप हील कर पाएंगे। उसके साथ एक मनी मैग्नेट टेक्निक, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वो मैं आपको आखिर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो सेल्फ हीलिंग की अट्यूनमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपनी खुद की हीलिंग कर पाएंगे। दूसरों को हीलिंग अगर करनी है तो उसके लिए एडवांस लेवल जो होता है उसको करना पड़ता है, लेकिन आज की इस क्लास में सेल्फ हीलिंग टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये मान के आप चलिए कि आप अपनी एनर्जी नहीं देते, ब्रह्मांड में एनर्जी है, वो एनर्जी आप लेते हैं और आप दूसरों को देते हैं, ठीक है। अब मैं रेकी में कैसे आया, अपनी कहानी अगर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर तो ये अधूरा हो जाएगा, इसलिए मुझे अपनी कहानी बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि जैसे मैंने कहा था कि आज लगभग 350-400 लोगों की आनी थी, लेकिन सिर्फ 80 लोग, 70-80 लोग ही आ पाए। ये इसलिए होता है क्योंकि रेकी चूज अस, वी डू नॉट चूज रेकी, रेकी हमें चूज करती है, हम रेकी को चूज नहीं करते। जब मैंने 2008-09 में रेकी सीखी थी तो मेरा पहला प्यार रेकी नहीं था। जैसा कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और मैं उनका हल ढूंढ रहा था। जब मैं उनका हल ढूंढ रहा था तो एक गुरु का एड्रेस मुझे मिला जो जिनके पास जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते थे, और मुझे एक्चुअली अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवानी थी। आई वेंट इन सर्च ऑफ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्योंकि मुझे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी थी, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। तो मैं उनके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर गया तो वो जो मास्टर थे, वो जो गुरु थे, वो उनका सिस्टम था कि वो 4 दिन की क्लास लेते हैं, रेकी लेवल 1, 2, 3 और हिप्नोसिस 1 और 2 सिखाते हैं। वो सेल्फ मतलब हीलिंग करना उन्होंने बंद कर दिया था। वो कहते थे कि हम सिखाते हैं, आप सीख के आप खुद अपनी हीलिंग कर सकते हो। अब उस वक्त मुझे रेकी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी थी और उन सर ने कहा कि हिप्नोसिस और रेकी उनका पैकेज होता है, वो दोनों साथ में ही सीखना पड़ता है। तो रेकी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था हिप्नोसिस में। उस वक्त मेरी मेडिकल शॉप थी एंड आई वाज रनिंग अ मेडिकल शॉप, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो रेकी सीखी, रेकी लेवल 1 और 2, हिप्नोसिस 1, उसके बाद लेवल 2 हिप्नोसिस और रेकी लेवल 3, ऐसे 3 लेवल मैंने रेकी के सीखे और हिप्नोसिस 1 और 2 सीखा। अब मेरा इंटरेस्ट था ओनली हिप्नोसिस में, रेकी में इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन क्योंकि उनका पैकेज वैसा था इसलिए मैंने रेकी सीखनी पड़ी, मैंने सीख ली। अब रेकी लेवल 1, 2, 3 सीख लिया, उसके बाद हिप्नोसिस 1 सीखा, हिप्नोसिस 2 सीखा, उसके बाद क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यूरियोसिटी थी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स मैंने किया, ठीक है, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स करने के बाद मेरी हमेशा से आदत रही, जो भी मैं सीखता हूँ उसको मैं इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ, उसको मैं दूसरों को सिखाना है करना है शुरू कर देता हूँ। तो मेरी मेडिकल शॉप चल रही थी, उसके साथ पार्ट टाइम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करूं करके दुकान में एक बोर्ड लगाया मैंने कि आई डू रेकी हीलिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बाई चांस उस बोर्ड में जो 4-5 विद्या उस वक्त मैंने सीखी थी वो लिखी, बाई चांस एक्चुअली आई वॉन्टेड टू हाईलाइट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, बट उस बोर्ड में रेकी बड़े शब्दों में प्रिंट हो गया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी छोटे शब्दों में प्रिंट हुआ। अब आई वॉज कंफ्यूज कि पता नहीं ये ऐसा क्यों हो, क्योंकि आई वॉन्टेड टू हाईलाइट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रेकी वॉज नॉट माई फर्स्ट लव। तो लेकिन रेकी वहां पर बड़ा हो गया, क्योंकि वो प्रिंट करवा के उसके थोड़े पैसे खर्च हुए, तो मैं मारवाड़ी हूँ, आसानी से कुछ किसी चीज को वेस्ट नहीं करता हूं, तो उस बोर्ड को मैंने वहां पर लगा दिया। जो भी पूछेगा उसको हीलिंग करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, वही चक्कर में था। अब सब ने वो, जो भी वो देखता था रेकी हीलिंग की जाती है, जो भी वो देखता था पूछता था, सर आप रेकी सिखाते हैं क्या, हीलिंग के लिए कोई नहीं आए। बहुत से लोगों ने पूछा आप रेकी सिखाते हैं क्या। रेकी सिखाने के लिए रेकी टीचरशिप करना जरूरी होता है, जो 4th लेवल रेकी का होता है। रेकी टीचरशिप उस वक्त 2008-09 में मेरे गुरुजी का 4 घंटे की क्लास थी और उस 4 घंटे की जो फीस थी वो थे 10,000 रुपए, 10,000 फॉर 4 आवर्स क्लास। अब मैं मारवाड़ी आदमी, आसानी से इतनी जल्दी पैसे तो देता हूं नहीं, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि आप सिखाते हैं क्या रेकी, तो मैंने कहा यार मारवाड़ी वो होता है ना बिजनेस माइंड, वो खनका किया, चलो ये साइड में अच्छा हो सकता है, लोग सीखना चाहते हैं हम सिखा देंगे। तो बड़ी मुश्किल से वो 10,000 मैंने गुरुजी को दिए उस 4 घंटे के कोर्स के लिए, ये सोचकर कि ये इन्वेस्टमेंट है, मैं 10 लोगों को अगर 1,000-1,000 रुपए में लेके भी सिखा दूंगा या 20 लोगों को 500 रुपए लेके भी सिखा दूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा।
जस्ट कीप इन माइंड, ध्यान में रखिए कि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रीकी टीचर बना था। मैं गया, 10,000 रुपए लिए, 4 घंटे की क्लास की, रेकी टीचर बना, और उसके बाद मैंने अनाउंस किया आई स्टार्टेड टीचिंग रेकी। तब तक मैंने रेकी का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं किया था। आई वॉज डूइंग हिप्नोसिस, आई डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑल दोस थिंग्स, बट रेकी को मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं। 2010 की बात है, मैंने रेकी सिखाना शुरू किया, मैंने एक क्लास अनाउंस की, और क्लास अनाउंस करने के बाद मेरी पहली क्लास में मुझे 5 रजिस्ट्रेशन मिले। संडे की आधे दिन की मैंने क्लास अनाउंस की थी, 5 रजिस्ट्रेशन आए पहले क्लास में मेरे, तो आई वाज हैप्पी कि चलो 5 तो आए, लेकिन इंक्वायरी 50-60 की आ गई थी। इंक्वायरी 50-60 आने के बाद भी 5 ही लोग आ पाए। मैं तो सोचा था 20-25 लोग तो कम से कम होंगे, लेकिन 5 लोग आए। बाद में पता चल गया कि हाँ, इतना रेशियो इसका यही है, सब लोग जो इंटरेस्ट दिखा के आते हैं वो सब लोग सीखने के लिए नहीं आते हैं। एनीवे, तो 5 लोग रजिस्टर हुए। अब संडे मॉर्निंग मुझे क्लास करनी है, और सैटरडे इवनिंग, उस वक्त, अब कहानी के दूसरे साइड की बात मैं बताता हूं, मेरा सेकेंड बच्चा जो है वो उस वक्त 6 महीने का था, लगभग 6 months, आई थिंक, या अप्रैल 2010 उसका बर्थ है, और इट वॉज इन नवंबर 2010, तो 6 महीने का मेरा दूसरा बच्चा था। और जब वो 3 महीने का था, तब वो, उसको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होके वो NICU में था, 9 दिन NICU में रहा। 3 महीने का बच्चा 9 दिन NICU में रहा, और उसको ट्रीटमेंट करवा के हम वापस लेकर आए थे। एंड उस वक्त मेरे जीवन में और अलग बहुत सी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम थी, उसके साथ इस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बीच में मैंने ये रेकी की क्लास भी अनाउंस की, और रेकी की क्लास करने वाला था नेक्स्ट डे। संडे मॉर्निंग मुझे रेकी क्लास करनी थी, और 6 महीने का बच्चा है जो 3 महीने पहले ही 9 दिन NICU में रहकर आया है, नियोनेटल ICU, लगभग उस वक्त 50,000 रुपए हमने ट्रीटमेंट पे खर्च किया था। एंड 3 महीने के बाद मेरी वाइफ शाम को बोलती है, ये जी देखो, बच्चे को यहाँ पर पूरा स्वेलिंग हो गया, बच्चे के पूरे चेहरे में स्वेलिंग हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, रेकी क्लास पहली क्लास कर रहा हूं, उसके लिए प्रिपरेशन मुझे करना है, और बच्चे की तबीयत खराब है, सैटरडे इवनिंग का टाइम है 5 बजे का, और मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पास लेके गया, डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि 95% ऑफ द लंग्स आर अगेन कंजेस्टेड, यानी कि कफ उसके अंदर भर गया है, इमीडिएटली गो टू द यू नो डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे करवा के लाओ। और तब भी मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब क्या 2 दिन वेट कर सकते हैं, क्या ये काम मैं मंडे को करवा सकता हूँ, आज कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलता है, जो डॉक्टर ने बोला अगर आप सुनेंगे तो यू नो किसी भी पिता का मन पसीज जाता है। डॉक्टर बोला कि बच्चा भले ही मेरा ना हो, लेकिन अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो अभी के अभी करवा के, मजाक कर रहा है तुम, डांटा मुझे डॉक्टर ने, कुछ नहीं कर पाया। गया डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे करवा के लाया, तो डॉक्टर बोला कि देख, बताया एक्सरे कि ये देख पूरा भर गया है, ये भर गया, ये सांस नहीं ले पा रहा है, इज नॉट एबल टू ब्रीथ, एंड बिकॉज इज नॉट एबल टू ब्रीथ, उसके चेहरे में नहीं पूरे शरीर में स्वेलिंग आ रही है, अगर थोड़ी देर और ये सांस नहीं ले पाया तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी रेकी की क्लास है, और सैटरडे इवनिंग ये सीन मेरे साथ चल रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई दी, मेरी खुद की मेडिकल दुकान थी, मैंने उस दिन दुकान खोली नहीं, एक दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी, बोले कि ये दवाई दो अभी के अभी जाके, और आधी रात को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इमीडिएटली आई हैव टू एडमिट द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल अगेन। मैं गया, दवाई ली, और घर जाके सबसे पहले वाइफ को दवाई दी, मैंने कहा पाउडर आता है आपको पता होगा, बच्चों को देते हैं, पानी डाल के रेडी करना होता है, उसको रेडी किया, और मैंने जो 5 लोग रजिस्टर किए थे उन सबको फोन करके पहले तो नेक्स्ट डे की क्लास को कैंसिल किया। मैंने कहा भाई कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, विल डू इट नेक्स्ट वीक। तो 5 लोगों को कॉल करके क्लास को कैंसिल किया, दवाई तब तक रेडी हो गई थी, दवाई बच्चे को पिलाई। अब देखिए 6 महीने का बच्चा मेरे हाथ में ऐसे है, और मैं बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं, और तब मेरे को फ्लैश हुआ कि मैं अपने बच्चे की रेकी से हीलिंग क्यों नहीं कर रहा। तब तक मैंने रेकी का इस्तेमाल अपने लाइफ में नहीं किया था, पहली बार मुझे एहसास हुआ 6 महीने का बच्चा मैं ऐसे लेके उसको दवाई पिलाने के बाद इधर उधर घूम रहा उसको सुलाने के लिए, और तब मुझे फ्लैश हुआ कि मैं रेकी से उसकी हीलिंग क्यों नहीं कर रहा हूं। पता नहीं कौन मेरे दिमाग में आके बोल रहा था कि हील हिम, हील हिम, हील हिम, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड हीलिंग। ऐसे बच्चे को लिया हूं, और जैसे ही बच्चे को इतना पकड़ेंगे तो उसके 7 चक्र आपके हाथ के पीछे आ जाते हैं,
रेकी के सिंबल्स जो होते हैं वो सिंबल डाल के मैंने उसको हील करना शुरू किया। और उस वक्त मेरा एक ही इंटेंशन था कि आई डू नॉट वॉन्ट माई चाइल्ड टू गो बैक टू हॉस्पिटल। 6 महीने के बच्चे को जो 3 महीने पहले 9 दिन आईसीयू में रहकर आया, आईसीयू का मतलब होता है कि बच्चा अंदर सोया है और आप खुद अपने बच्चे को जाके देख नहीं सकते, यू हैव टू पीप इन द विंडो एंड यू कैन सी योर चाइल्ड स्लीपिंग देयर। और मैं अपने बच्चे को वापस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाना चाहता था, तो मैंने उसकी हीलिंग करना शुरू किया विद ओनली वन इंटेंशन कि माय चाइल्ड शुड बी कंप्लीटली ऑलराइट। मुझे लगता है 30-45 मिनट्स तक कंटिन्यूसली मैंने उसको हीलिंग दी, तब तक बच्चा सो गया था, मैंने उसको क्रेडल में सुला दिया और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेशअप हुआ, कुछ खाया और हम लोग सो गए। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था आधी रात को भी कुछ भी हो जाता है तो यू मे हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। बाय गॉड ग्रेस रात को कुछ नहीं हुआ, बच्चा आराम से पूरी रात सोया रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे उठने से पहले ही बच्चा उठ गया था और मुस्कुराता हुआ बच्चा खिलखिला रहा था क्रेडल में। 6 महीने का बच्चा अभी तक चलना सीखा नहीं था, उसने मुस्कुरा रहा था। मुझे कहीं एकदम से रिलीफ मिला कि शायद बच्चा थोड़ा ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस लेके आना, मैं चेक करूंगा, अगर जरूरत पड़े तो कल एडमिट करना, नहीं तो दवाई कंटिन्यू करना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock मैं डॉक्टर के पास वापस गया। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि ये मिरेकल कैसे हुआ। एक तरफ का 95% ऑफ द लंग्स आर कंप्लीटली क्लियर, दूसरी तरफ 50% अभी तक ब्लॉकेज है, इसी दवाई को कंटिन्यू करो, विद इन 1 or 2 days द चाइल्ड विल बी ऑलराइट। बट ही सेड दैट इट्स अ मिरेकल क्योंकि एक ही रात में इतना जो कंजेशन पूरा भरा हुआ था लंग वो खाली हो जाना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाना, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नाउ नथिंग टू वरी, चाइल्ड इज ऑल राइट, विद इन 2 days ही विल बी कंप्लीटली ओके, जस्ट कंटिन्यू दिस मेडिसिन। घर आके एकदम गहरी सांस ली मैंने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज द मिरेकल ऑफ रेकी, दिस वॉज फर्स्ट मिरेकल ऑफ रेकी हैपेंड इन माई लाइफ। तब मैंने रियलाइज किया कि रेकी इज नॉट अ बिजनेस, तब मैंने रियलाइज किया कि रेकी एक्चुअली चूज यू, यू डू नॉट चूज रेकी। तब मैंने रियलाइज किया कि रेकी हैज कम इन माई लाइफ विद सम पर्पस। उसके बाद नेक्स्ट संडे को मैंने रेकी की क्लास की उन्हीं 5 लोगों को लेकर, लेकिन तब मेरा कंप्लीट माइंडसेट चेंज था, डिफरेंट था। तो रेकी कभी कभी इस तरह की परीक्षा लेती है, जब आप यू नो इट वाज अ ग्रेट मिरेकल इन माय लाइफ। तो मैंने कहा अगर रेकी इतनी पावरफुल है तो व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस रेकी। उसके बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और उसके बाद हर क्लास में मैं अपना ये एग्जाम्पल देकर ही क्लास को शुरू करता, क्योंकि जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं तभी आपको पता चलता है कि इसका पावर क्या है। पहले सिर्फ एक बिजनेस की तरह मैं सिखाने वाला था, अगर बिजनेस की तरह मैं सिखाता इसको तो शायद मैं उतना इंपैक्टफुली रेकी को नहीं सिखा पाता, तो शायद मैं इतना गहराई से रेकी के अंदर नहीं घुसता। लेकिन क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में मिरेकल देखे और उसके बाद तो एक के बाद एक बहुत से मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में रेकी की वजह से देखे, और उसके बाद जब अब मैं रेकी के बारे में बोलता हूं और इस कहानी को सुनाता हूं तो लोगों को लगता है कि यस इट हैज समथिंग, क्योंकि इट इज कमिंग आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। सो दिस इज हाउ रेकी एक्चुअली चोज मी। उसके बाद मुझे लगा कि आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ रेकी। जैसा कि हम रेकी में कहते हैं रेकी का चैनल है, सम मास्टर्स आर वर्किंग थ्रू दिस बॉडी because masters directly cannot come and communicate with people, they need somebody and this body is used by those reiki masters to convey this energy of reiki to people. bahut se logon tak reiki pahunchane ke liye is madhyam ko wo masters use kar rahe hain aur wahi masters is reiki ko aage badha rahe hain through this channel. isliye main hamesha kehta hu aur uske baad to har tarah ki healing jab bhi main karta hu to main hamesha yahi kehta hu ki I am not a healer. Whatever I may be doing Reiki healing, I may be doing NLP, I may be doing hypnosis, I may be doing past life regression or any other healing modalities I may be using, I have been always saying that I am not the healer. मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ इन सब चीजों के लिए, मेरे थ्रू हो रहा है एंड आई नेवर टेक एनी क्रेडिट। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग आज भी जुड़े होंगे जिन्होंने मिरेकल्स लाइफ में देखे हैं जो थेरेपी मैं करता हूं, और जब मैं एक जगह मेरे गुरु के यहाँ पर मैं थेरेपी करता था तो आई बिकेम अ सीनियर थेरेपिस्ट देयर, और लोग रेकमेंड करके भेजते थे कि अगर आपको थेरेपी वहां पर लेनी है तो विमल जैन से ही लेनी है, किसी और से नहीं।
जैसे आप मेरे पास आए, आप मुझसे ठीक हुए, तो आप जाके चार लोगों को और बताएंगे और कहेंगे कि वहां पर जाएंगे तो विमल जैन सर से ही मिलना है, उनसे ही थेरेपी करवानी है। इतना अगर लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने मुझे विश्वास दिया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ गुरुज, द ग्रेस ऑफ मास्टर्स एंड द ग्रेस ऑफ दीज एनर्जीज विच आर वर्किंग थ्रू मी। सो आई नेवर टेक एनी क्रेडिट, आई एम जस्ट अ मीडियम। मेरे थ्रू ये पास हो रही है एंड मैं लोगों को, लोगों तक इन विद्याओं को पहुंचा रहा। मेरा इतना ही काम है, मैं ये काम कर रहा। सो दिस इज माय स्मॉल स्टोरी, होप यू ऑल, थोड़ा इमोशनल हो गया था, सॉरी। यस, रिक इज रियली मेरा। वेयर आर यू रिसाइडिंग? आई एम इन बेंगलुरु मैडम, सुषमा जी। थैंक यू जिग्ना। ओके, ऑल राइट, तो ये मेरी कहानी थी। चलिए अभी हम दो काम करेंगे। तो 12:50 हो गया, सेल्फ हीलिंग मुझे आपको सिखानी है, आपको सेल्फ हीलिंग का अट्यूनमेंट दूंगा। एक 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा जिसमें हम हीलिंग भी करेंगे और उसके साथ आपकी अट्यूनमेंट भी हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक को करने के लिए इस वक्त आपको एक किसी प्रॉब्लम को हील करना, चूज करना है। वो प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो सकती है। वेयर वी कैन मीट यू इन बेंगलुरु। यस श्रीधर जी, आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर सम मोर टाइम। सारी चीजें, सारे आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो एक सेल्फ हीलिंग टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके लिए आपको किसी एक प्रॉब्लम को इस वक्त चूज कर लेना है, चाहे वो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको मान लीजिए हेडेक है, या एसिडिटी है, या गैस्ट्रिक है, या इंडाइजेशन है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या कोई पेन है, कोई भी शरीर की कोई बीमारी, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, जॉब में कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम को आप हील करना चाहते, उस प्रॉब्लम को आप अपने मन में सोच लीजिए। चाहे आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ आपके रिलेशन खराब है, आपके माता पिता के साथ आपके रिलेशन खराब है, आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, जिसके भी साथ रिलेशनशिप खराब है, कोई भी एक प्रॉब्लम को आप चूज कर लीजिए। उस प्रॉब्लम को हम हील करेंगे, प्रैक्टिकली हील करेंगे अभी। और एक बार में ये हील हो जाती है जरूरी नहीं, इसको कंटिन्यूअसली करते जाना। मैं आपको सिखा दूंगा, आप लाइफ लॉन्ग यू विल बी रेकी चैनल सेल्फ हीलिंग के लिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम को हर दिन आप हील करते जाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम होगी, अगर छोटी ही प्रॉब्लम है तो इमिडिएटली ठीक हो जाएगा। जैसे कोई पेन है, जैसे आपको हेडेक है, तो अभी आपको ठीक हो जाएगा। घुटनों में दर्द है, अभी आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई मेजर इश्यूज है तो धीरे 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 वो प्रॉब्लम ठीक होगी। आपको रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करना है और हर प्रॉब्लम को आप इसी माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। तो किसी एक प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई हैव कैटरेक्ट, यस कैटरेक्ट है, तो आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इसको मुझे हील करना है। ओके, और दो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को हील करने के लिए, दो रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका विश्वास। You have to believe that this therapy will work miraculously in my life. सबसे पहली requirement आपका belief होना बहुत जरूरी है, क्योंकि belief ही सब कुछ है, विश्वास में ही भगवान है। तो belief सबसे पहली आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है निरंतर अभ्यास, consistent practice। आपको everyday regularly अपनी problem को heal करने पर काम करना। अगर आपको विश्वास है और आप रेगुलरली इस पे काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको पाने के बीच में रोड़ा नहीं अटका सकती, जो भी आपका गोल है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है ना। तो इतनी शिद्दत से, उस शिद्दत से जब आप करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे आपकी प्रॉब्लम को हील करना है, चाहे किसी और को हील करना है, उस विश्वास के साथ कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज को हील कर पाएंगे। तो पहले सेल्फ हीलिंग टेक्निक सीखते हैं, उसके बाद मनी मैग्नेट टेक्निक, अपने जीवन में कैसे धन को आकर्षित करें, क्योंकि धन, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। नो मनी नो हनी, पैसे के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा आज के दिन की बहुत आवश्यक चीज है। तो मेरा ये विश भी है और ब्लेसिंग भी आप सबको, कि आप सब लोग जो भी धनवान है वो धनवान और बने, जो धनवान नहीं है वो धनवान बने। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक मैं सिखाऊंगा, उससे पहले सेल्फ हीलिंग। तो करना क्या है, हम आराम से बैठ जाएंगे,
मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे, उसके बाद में आपको आकाश एक सफेद रोशनी आती है, मैं कहता जाऊंगा आपको इमेजिन करते जाना है, उस सफेद रोशनी को अपने सिर से अपने पूरे शरीर में भरना है, एक बार पूरा शरीर, जैसे मतलब पानी गिरता है ना ऊपर से, ऊपर से पानी गिरा और पूरा शरीर भर गया, वैसे ही ये व्हाइट लाइट ऊपर से आती है, यहाँ से सहस्रार चक्र हम बोलते हैं इसको, यहाँ से व्हाइट लाइट आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी पूरी बॉडी में भरती जा रही है। पूरी बॉडी में भरने के बाद इसी ऊर्जा को आपको फील करना है कि आपके अनाहत चक्र से, इस चक्र से वो बाहर आ रहे। अगर आपका शरीर के अंदर कोई बीमारी को आप हील करना चाहते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे हेडेक है तो पूरा शरीर भर गया, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान ले जाना है और फील करना है कि ये ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित हो रही और मेरा हेडेक हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो घुटनों की तरफ आपको ध्यान ले जाना है और फील करना है कि घुटनों में वो एनर्जी प्रवाहित हो रही और आपके घुटनों का पेन पूरी तरह से हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील। एसिडिटी है तो पेट की तरफ, आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों में ये एनर्जी प्रवाहित हो रही है और आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। शरीर का है तो शरीर के उस भाग में ध्यान ले जाएंगे, ये ऊर्जा वहां पर प्रवाहित हो रही है, फील करेंगे और वो हील हो रहा है, फील करेंगे। दूसरी कोई प्रॉब्लम, जैसे जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, इस ऊर्जा को अपने शरीर में भरेंगे, फिर यहाँ पर अनाहत चक्र होता है, हार्ट सेंटर जिसे हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है हार्ट सेंटर, चेस्ट का बीच का हिस्सा, ये अनाहत चक्र बोलते हैं, यहाँ से ये रोशनी बाहर निकलती हुई आप फील करेंगे, यहाँ से आप बाहर निकलती हुई फील करेंगे और आप इमेजिन करेंगे कि आपके सामने वो परिस्थिति है, यानी कि आपके जॉब में प्रॉब्लम है तो आपकी जॉब की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है और ये एनर्जी वहां पर प्रवाहित हो रही है और वो जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, वो हील हो रही है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति आपके सामने है और ये ऊर्जा उस व्यक्ति में बह रही है और उस व्यक्ति और आपके बीच में जो प्रॉब्लम है वो हील हो रही है। अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है तो उसको अपने सामने इमेजिन करें, मे बी एनीथिंग, उसको अपने सामने इमेजिन करना है। आपके घर में प्रॉब्लम है तो आपके घर को अपने सामने इमेजिन करना है और घर में वो एनर्जी प्रवाहित होती हुई फील करनी है, समझ रहे हैं आप? तो जो कुछ भी आप हील करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू इमेजिन दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू जस्ट हैव टू फील दैट दैट एनर्जी इज गोइंग टू दैट थिंग एंड व्हाटएवर प्रॉब्लम इज देयर इट इज गेटिंग हील्ड, वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, 10 से 12 मिनट का ये प्रोसेस होगा, 10 से 12 मिनट तक आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी आवाज के साथ जुड़े रहे और मैं जो जो गाइड करता हूँ उसको आपको मानसिक रूप से करते जाना है, पहले ये करते हैं, उसके बाद इसी दरमियान आपकी इनिशिएशन भी हो जाएगी सेल्फ हीलिंग के लिए, उसके बाद हम मनी मैग्नेट टेक्निक सीखेंगे और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठ जाइए, Yes. किसी की टंग सूख जाती है, किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है, किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अगर बॉडी में है तो जैसा मैंने कहा आपको वैसे इमेजिन करना कि वहां पर ये ऊर्जा ज्यादा प्रवाहित हो रही है और वो चीज ठीक हो रही है, अगर बाहर है तो अनाज चक्र से एनर्जी जा रही है और वो एनर्जी वहां पर जाकर उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आराम से बैठिए, अभी कमर और गर्दन को सीधा रख के बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज, हाथों को खुला रखेंगे, ऐसे चिन मुद्रा भी नहीं लगानी, हाथों को ऐसे खुला रखेंगे और हाथों को ऐसे थाइस पे रखेंगे, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, पाम्स फेसिंग द स्काई, ऐसे नहीं रखना है हाथों को, ऐसे रख लेना, ठीक है, हाथों को ऐसे रखना है ऊपर की ओर और थाइस पे रख लीजिए, अपने जांघों पे हाथों को ऐसे रख लीजिए, खुला रखना है, चिन मुद्रा नहीं लगानी है, ध्यान में जब बैठते हैं तो चिन मुद्रा लगाते हैं उसको भी नहीं लगाना है, हाथों को ऐसे खुला रखना है और पाम्स अपवर्ड थाइस के ऊपर रख लीजिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए और कुछ गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर और मन को ढीला छोड़ते जाइए। विथ योर ईच इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ जस्ट फील दैट यू आर डाइविंग इनटू डीपर एंड डीपर रिलैक्सिंग, अपने शरीर और मन को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, जितना आपका शरीर और मन रिलैक्स होगा उतना ही पावरफुल आपकी हीलिंग होगी, शरीर और मन को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है।
धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना. ईच इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ जस्ट फील दैट यू डाइविंग इनटू डीपर एंड डीपर रिलैक्स्ड स्टेट. आपका शरीर और मन गहरी विश्रांति में जा रहा है. अब अपने ध्यान को आकाश की तरफ ले जाइए और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आकाश में एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला है, जैसे एक बहुत बड़ा सन सूर्य, एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला है जिसमें सफेद रोशनी भरी हुई है. कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा एनर्जी का गोला, अ बिग बॉल ऑफ एनर्जी इन द स्काई. जस्ट फील अ ब्यूटिफुल रे ऑफ लाइट इज कमिंग डाउन फ्रॉम दैट बॉल ऑफ एनर्जी एंड दैट लाइट इज एंटरिंग योर बॉडी फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड फ्रॉम योर सहस्रार चक्र. उस एनर्जी के गोले से एक दिव्य रोशनी आपकी तरफ आती हुई आपके सिर से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई फील कीजिए. Now intensely just feel that this beautiful light is getting filling your whole body. आपके पूरे शरीर में ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य रोशनी भरती जा रही है, शरीर के एक एक अणु में भरती जा रही है, सिर से लेके पांव की उंगलियों तक पूरी तरह से आपका शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है, इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है. कुछ देर के लिए इसको फील करते जाए, कुछ देर के लिए इसको फील करते जाए. आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है. जैसे जैसे आप इस दिव्य ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो एनर्जी चैनल है वो क्लींस होता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है. आपके एनर्जी चैनल में जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्लीन हो रहे हैं. ऑल द मास्टर्स आर ब्लेसिंग यू. फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके पूर्वज सब आपको ब्लेस कर रहे, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी ऊर्जा का जो चैनल है, जो एनर्जी चैनल है, वो उसको क्लींस करते जा रहे हैं, क्लींस करते जा रहे हैं. योर एनर्जी चैनल इज कंप्लीटली गेटिंग क्लींस एंड यू आर कंप्लीटली गेटिंग फिल्ड विद दिस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट फ्रॉम टॉप ऑफ हेड अप टू योर टोज. सिर से लेके पांव की उंगलियों तक आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है, इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है. आपका एनर्जी चैनल कंप्लीटली क्लींस हो रहा है, क्लींस हो रहा है, क्लींस हो रहा है. Yes, just feel it, feel it, feel it. आपका एनर्जी चैनल पूरी तरह से क्लींस होता हुआ आप सेल्फ हीलिंग के लिए ट्यून हो रहे हैं. ऑल द मास्टर्स आर ब्लेसिंग यू, ऑल द रेकी मास्टर्स आर ब्लेसिंग यू, ऑल द एनर्जी मास्टर्स आर ब्लेसिंग यू, ऑल द गाइड्स spiritual masters are blessing you, all your ancestors, आपके पूर्वज सब आपको bless कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. उनका आशीर्वाद receive करें इस दिव्य सफेद रोशनी के रूप में. अपने पूरे शरीर में इस सफेद रोशनी को भर जाने दीजिए. आपके शरीर में अगर vibration हो रहा है, sensation हो रहा है, तो उसको होने दीजिए. अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको होने दीजिए. अगर आपका शरीर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, vibrate हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको होने दीजिए. बस उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसको enjoy कीजिए. Just feel it for few more seconds to a minute. Just feel this energy in your body, your whole system, your energy meridians are completely getting cleansed, and your whole body is getting filled with this beautiful divine light. आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव की उंगलियों तक इस दिव्य सफेद रोशनी से भर गया है. And you're blessed. Now. जैसे जैसे दिव्य सफेद रोशनी आपके शरीर में भर रही है, आपका पूरा शरीर दिव्य सफेद रोशनी से भर गया है. अब जिस चीज को आप हील करना चाहते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में है, तो शरीर के उस भाग में अपना ध्यान ले जाइए. चाहे आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों की तरफ अपना ध्यान ले जाइए, जीभ में, टंग में प्रॉब्लम है तो टंग की तरफ अपना ध्यान ले जाइए, कहीं और प्रॉब्लम है तो वहां पर अपना ध्यान ले जाइए. और फील कीजिए कि दिव्य सफेद रोशनी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही है, और शरीर का वो भाग, वो अंग पूरी तरह से हील हो रहा है, हील हो रहा है. लिटरली फील दैट दिस ब्यूटीफुल लाइट इज फ्लोइंग टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच हैज द प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज गेटिंग हील्ड. अगर आपकी प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, बाहर कोई है, जॉब में है, बिजनेस में है, घर में है, रिलेशनशिप में है, तो इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन आपके सामने, आपसे 2 या 3 फीट आगे वो सिचुएशन है, या वो व्यक्ति बैठा है, या आपकी ऑफिस है, या आपका जॉब है, या आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम है, वो आपके सामने है.
और इमेजिन कीजिए कि आपके हृदय के भाग से, आपके हार्ट सेंटर से ये दिव्य सफेद रोशनी बाहर की ओर आती हुई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बह रही है, और वो जो भी बाहर की सिचुएशन है वो हील हो रही है, वहां पर प्राण ऊर्जा ज्यादा हो रही है। जैसे ही वहां पर प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां पर जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है, ठीक हो रही, ठीक हो रही, ठीक हो रही। फील करें, महसूस करें कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हील हो रही, पूरी तरह से ठीक हो रही, पूरी तरह से ठीक हो रही। थोड़ी देर इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। कुछ देर बाद आपको मन में लगेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, यस दैट प्रॉब्लम इज हील्ड। जस्ट डू दिस मिनिमम 3 to 5 minutes, मैक्सिमम अप टू 15 to 20 minutes ईच टाइम। यू कैन जस्ट डू दिस। हर बार जब आप इस हीलिंग को करते हैं तो मिनिमम 3 से 5 मिनट तक उस पर्टिकुलर अंग को या उस पर्टिकुलर घटना को अपने सामने देखना है और वो हील होता हुआ महसूस करना है। मिनिमम 3 to 5 मिनट्स, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स ईच टाइम, एक बार में बस महसूस करते रहिए, फील करते रहिए कि ये दिव्य ऊर्जा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फ्लो हो रही है या उस पर्टिकुलर अंग में फ्लो हो रही है, और आपका वो पर्टिकुलर अंग जो शरीर का है, जो भाग है, वो ठीक हो रहा है, वो हील हो रहा है, वो हील हो रहा है, वो हील हो रहा है। और धीरे धीरे जब वो हील हो जाएगा तो कैसा होगा उसको विजुलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए। जैसे आंखों में कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट ठीक होने के बाद आंखें कैसी होगी, बस उसको विजुलाइज कीजिए कि आंखें वैसी हो गई है, ठीक होने के बाद जैसी होती वैसी हो गई है। जीभ आपकी सूख रही थी तो फील कीजिए कि जीभ जब सूखना ठीक हो जाएगा तो वो हमेशा वेट रहेगी, तब कैसी रहेगी, वैसी हो गई है, उसको विजुलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अगर आप जॉब को हील कर रहे हैं, तो फील कीजिए कि वो हील होने के बाद कैसा सिचुएशन होगा वहां पर, उसको विजुलाइज कीजिए। आपके जॉब में जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से हील हो गई। नाउ द बॉस इज वेरी कोऑपरेटिव विद यू, नाउ द बॉस इज वेरी सपोर्टिव विद यू, नाउ योर कलीग्स, योर टीममेट्स आर वेरी गुड विद यू। अगर आप बिजनेस के लिए हील कर रहे हैं तो फील कीजिए कि आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कंटिन्यूसली कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपके क्लाइंट्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अच्छी तरह से उसको फील कीजिए, अच्छी तरह से उसको फील कीजिए। Yes. Another few seconds to a minute. Just feel the flow of this energy to that particular part of your body or that particular problem, and just feel that that particular problem is getting healed. वो हील होती जा रही, वो हील होती जा रही, वो हील होती जा रही। Yes. करते जाइए। बीच बीच में अगर आपको कोई भी विचार आ रहे हैं, आपको थॉट्स भी आ रहे हैं, तो आने दीजिए, जाने दीजिए। थॉट्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान रखिए और जितना होता है उतना करते जाइए। चिंता ना करें, अगर बीच में कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, तो कोई बात नहीं, मन आपका साथी है, मन आपका दोस्त है। जैसे आप रियलाइज करते हैं कि आपको अपने हीलिंग पे फोकस करना है, अपने ध्यान को वापस ले आइए और हीलिंग पे फोकस कीजिए। मन के भटकाव से परेशान मत होइए, आराम से करते जाइए, फील करते जाइए, महसूस करते जाइए। इसी प्रक्रिया को आपको रेगुलरली करना है। आज के लिए क्योंकि समय की कमी है तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फील कीजिए कि वो जो प्रॉब्लम आप जिसको हील कर रहे थे वो हील हो चुकी है, और हील होने के बाद वो कैसी होगी उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसको यूटिलाइज करते हुए वो पूरी तरह से हील हो गई है, उसको फील करते हुए, महसूस करते हुए अब अपने दोनों हाथों को आप नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, और उस हीलिंग को करने के लिए उस दिव्य शक्ति को हम धन्यवाद देंगे, उस रेकी शक्ति को हम धन्यवाद देंगे, वो जो रेकी शक्ति की ऊर्जा स्रोत है आकाश में, उसको हम धन्यवाद देंगे। हम ऑल द रेकी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, हम अपने गुरु भगवंतों को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, सबको धन्यवाद दीजिए, और अपने बॉडी माइंड को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को थैंक कहिए, धन्यवाद दीजिए। सबको धन्यवाद देने के बाद अब धीरे धीरे हम शरीर के कॉन्सियसनेस में आ जाएंगे। जस्ट कम बैक योर बॉडी कॉन्सियसनेस स्लोली, कम बैक योर बॉडी कॉन्सियसनेस स्लोली, स्लोली फ्री योर बॉडी। एक गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। Now gently rub your palms.
Keep your palms on your eyes. Now gently give the facial massage, neck massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. Aram se dheere dheere apni aankhon ko khol lo. All right. Welcome back. So, kaisa lag raha hai sabko? You can share your experience. Feeling good? Kisi ko bhari laga, kisi ko jyada vibration hua, kisi ko kam hua, kisi ko kuch nahi hua. Jo bhi aapka experience hai, aap share kar sakte hain. Chat box mein dal sakte hain. Went somewhere, feeling very energetic, good, happy and energized, sleep deep, okay. 4-8 per vibration hua kisi ko, good, very light. Heart bhari hue, okay, feeling very good, feeling light, yes. Toh har kisi ka apna apna alag alag experience hai, kisi ko achha lag raha hai, kisi ko light lag raha hai, kisi ko khushi ho rahi hai, bahut achha anubhav hua, very good, Basanti ji. Golden light came from sky and felt filled whole body. Good, Shobhaji, good. So, yes, sirf thodi der ke liye thoda light. Yes, thodi der ke liye kuch kis logo ko light laga. Can we talk with you, Master? Yes, yes, you can definitely talk with me. Yes, yes. So, bahut se logo ko acha feel ho raha hai. Halanki humne bahut kam samay ke liye kiya. Kyunki time ki kami hai aaj, ek baj ke nikal gaya hai, ek das ho gaye hain. टाइम की कमी की वजह से हमने जल्दी किया तो इसी प्रोसेस को अभी करना है. अभी आप नोटपैड और पेन है तो स्टेप्स लिख लीजिए आपको करना क्या है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले अपनी बॉडी माइंड को रिलैक्स करना. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बॉडी माइंड को रिलैक्स करना है कि आराम से बैठ जाना है. हथेलियों को ऐसे रख के जांघों पे, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप है आंखें बंद कर लेंगे. तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, सुनते जाइए ओके, और हो सके तो लिख लीजिए. तो पहले आराम से बॉडी माइंड को रिलैक्स किया, आराम से बैठ गए. दूसरा आंखें बंद कर ली. तीसरा कुछ गहरी सांस लेनी है, एक या दो मिनट तक गहरी सांस लेनी है. जैसे आप गहरी सांस लेंगे ना, आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएगी. ये बॉडी और माइंड रिलैक्स क्यों करते हैं, क्योंकि वेन यू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड एंड वी हैव अ ऑडियो ऑल्सो, इफ पॉसिबल विल पुट द ऑडियो इन द इसका पूरा जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है उसका ऑडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे. ग्रुप में बने रहिए तो आपको ग्रुप में वो ऑडियो मिल जाएगा, ठीक है. तो उस ऑडियो को लगा के भी आप मेरी ही आवाज में, उस ऑडियो को लगा के भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं. जो ऑडियो लिंक लगाना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस है. आराम से बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और कुछ गहरी सांस लेंगे तो बॉडी माइंड रिलैक्स हो जाएगा. उसके बाद अपने ध्यान को आकाश में ले जाना. एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला आकाश में इमेजिन करना है और फील करना है कि वहां से सफेद रोशनी आ रही है और वो रोशनी आपके सिर से आपके पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है. थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि आपका पूरा शरीर इस दिव्य रोशनी से भर गया है, उसके बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके शरीर में है तो शरीर के उस भाग में, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की तरफ अपना ध्यान ले जाइए. फील कीजिए कि ऊर्जा हार्ट में ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो हील हो रहा है. आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों की तरफ ध्यान ले जाएंगे, ऊर्जा आंखों में प्रवाहित हो रही है और आंखें हील हो रही है. इस तरह से बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे. ठीक होने के बाद उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक होने के बाद कैसा होगा. जैसे हृदय, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है और हार्ट हील होने के बाद कैसा होगा, ये अच्छी तरह से आराम से खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है, हार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, स्माइलिंग हार्ट है और अच्छी तरह से वो फंक्शन कर रहा है. उसको आप फील करेंगे, उसको आप विजुलाइज करेंगे, ठीक है. अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने कहा, हृदय के भाग से एनर्जी बाहर आ रही है, वो सिचुएशन आपके सामने है, उस सिचुएशन में वो फ्लो हो रही है और वो जो भी सिचुएशन है, चाहे बिजनेस की है, जॉब की है, रिलेशनशिप की है, दूसरी कोई भी है, वो हील हो रही है. 3 से 5 मिनट मिनिमम, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम ये एनर्जी फ्लो हो रही है, वो प्रॉब्लम हील हो रही है. 3 to 5 मिनट्स मिनिमम, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम एक बार, ठीक है. उसको हील करना है. हील करने के बाद 15-20 मिनट होने के बाद हाथों का नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे. सारे मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, रेकी एनर्जी को धन्यवाद देंगे, रेकी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, अपने गुरुओं को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता को, अपने पितरों को, पूर्वजों को, सबको धन्यवाद देने के बाद अपने आप को धन्यवाद देंगे और इस रेकी सेल्फ हीलिंग सेशन को एंड कर लेंगे. इसका जो ऑडियो है वो ऑडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है. ये ऑडियो आप सब लोगों को मिल जाएगा.
ठीक है, तो ऐसे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। कब तक करना है? जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक करते रहना है। दिन में मिनिमम एक बार, मैक्सिमम 2-3 बार भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 या 3 बार भी आप कर सकते हैं। मिनिमम एक बार तो आपको रेगुलरली करना ही करना है, और जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी ठीक नहीं हो जाती तब तक करते रहना है। अभी सेल्फ हीलिंग आप शुरू कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसको पूरी तरह से रोक देना है? नहीं। आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन को रोकना नहीं है, मेडिसिन लेने के साथ साथ इस हीलिंग प्रोसेस को शुरू कीजिए, आपकी हीलिंग और फास्ट हो जाएगी। और मेडिसिन को रोकना है, कम करना है, नहीं रोकना है, ये सारी चीजें आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही चेंज करेंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो हम मेडिसिन स्टॉप करने की सलाह हम नहीं दे सकते, लेकिन ये हीलिंग जैसे ही आप शुरू करेंगे, अगर आप हील होना शुरू हो जाएंगे तो जैसे ही आप हील हो जाएंगे तो डॉक्टर खुद ब खुद उस दवाई को रोक देंगे या कम कर देंगे, है ना। तो डॉक्टर की जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू करना है, उसके साथ इस हीलिंग को शुरू करना है, और जैसे जैसे वो हीलिंग होती जाएगी आपकी मेडिसिन आपके डॉक्टर कम करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, अभी दूसरा जो टेक्निक मुझे सिखाना था वो है मनी मैग्नेट टेक्निक। बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं सिखा रहा हूं। जिनको भी प्रॉब्लम है कि आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि धन तो आ रहा है लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है, जिनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे आ नहीं रहे हैं, स्टक हो गए हैं, तो उन सब के लिए ये एक टेक्निक, ऐसे बहुत सी टेक्निक है, एक पावरफुल टेक्निक जो रेकी की है, जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, ये टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें 4 ग्रीन कलर के क्रिस्टल चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कैन यू जस्ट सी इन माय हैंड, ये क्रिस्टल्स है, ओके, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स है। इफ यू नॉट एबल टू सी द कलर, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी द कलर और नॉट, 4 इस तरह के क्रिस्टल्स आपको ले लेने, ठीक है। अगर क्रिस्टल न हो आपके पास तो क्या करें, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप ये क्रिस्टल आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आपको हमारे पास भी मिल जाते हैं। अगर हमसे आपको ये क्रिस्टल लेने हैं तो एनर्जाइज क्रिस्टल आपके पास आपको मिलते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर जो है डिंपल, उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे। डिंपल अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो डिंपल का नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आपको मैसेज करना है, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, अपने कामों में बिजी रहती है, तो मैसेज कीजिए तो वो खुद अपना टाइम देख के आप कॉन्टेक्ट करेगी और आपको क्रिस्टल कैसे पहुंचाना है, कितना इसका चार्जेस वगैरह है, वो सारी चीजें आप उसके साथ डिस्कस करके ले सकते हैं। अब आपको क्रिस्टल नहीं मिल रहे हैं, आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी ग्रीन कलर का कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे मटर के दाने, सूखे हुए मटर होते हैं, सूखे मटर के दाने आप ले सकते हैं, 4 दाने लीजिए मटर के, या उस तरह का कोई भी ग्रीन कलर, 4 मोती ले लीजिए ग्रीन कलर के अगर मोती है तो। कुछ भी ना मिले तो 4 हरे रंग के पत्ते, लीव्स ऑफ एनी ट्री ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, हरे रंग के होने चाहिए, 4 होने चाहिए क्वांटिटी। क्रिस्टल इज द बेस्ट क्योंकि क्रिस्टल खुद एनर्जाइज होते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी इनमें होती है, तो जिन एनर्जी के साथ हम क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हैं उस एनर्जी को ये मेंटेन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टल लीजिए। लेकिन अगर क्रिस्टल ना मिले तो आप किसी भी ग्रीन कलर की चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टल ही चाहिए तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या आप हमसे भी ले सकते हैं। मूंग दाल भी ले सकते हैं, मूंग दाल बहुत छोटे होते हैं, थोड़ा बड़ा जैसे मटर का दाना है, मूंग भी ले सकते हैं, 4 मूंग के दाने भी ले सकते हैं, 4 ही होने चाहिए क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि भाई 4 अगर छोटे हैं तो 10 ले लें, 4 4 पीसेस, ठीक है। तो क्रिस्टल ना हो तो एनी ग्रीन कलर थिंग, मटर का दाना है, मूंग का दाना है, लीव्स है, मोती है हरे कलर के, कोई भी मोती आप ले सकते हैं, ग्रीन कलर के होना चाहिए, एनी ग्रीन कलर, अगेन लाइट ग्रीन हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन नहीं है, एनी ग्रीन कलर यू कैन टेक। करना क्या है, ये 4 क्रिस्टल आपने ले लिए, हाथों को अच्छी तरह से रब करना है, ठीक है, हाथों को अच्छी तरह से रब किया, रिलैक्स हो गए, और इन 4 क्रिस्टल को या जो भी चीज आप लेते हैं उसको लेफ्ट हैंड पे ऐसे रख लेना है, हथेली पे, लेफ्ट हैंड की हथेली पे ऐसे रख लेना है और राइट हैंड उसके ऊपर ऐसे कप कर लेना है। अब ऐसे फ्लैट नहीं रखना है हाथों को, ऐसे कप करते हैं, हम देख रहे हैं हाथों को मेरे, कप करते हैं, कप की तरह हाथ को ऐसे बना लेते हैं, जैसे पानी भरते हैं ना,
हाथों में, तो कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, वैसे ही ये हाथ भी और ये हाथ भी ऐसे कप कर लेंगे। कप करने के बाद आप ऐसे हार्ट के पास रखेंगे हाथों को, ऐसे हार्ट के पास हाथों को रखेंगे, हृदय के भाग के पास ऐसे रखेंगे और 3 से 5 मिनट तक जस्ट फील करना है कि ये क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। इस 3 से 5 मिनट तक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, या अगर आप जैन है तो नवकार मंत्र, या कोई भी आपके गुरु भगवंत का कोई मंत्र है, जैसे गुरु मंत्र आपने लिया है तो उस मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हैं, या दूसरा कुछ भी आपने सीखा है, कोई भी मंत्र है, कोई किसी गुरु में आपका विश्वास है तो गुरु का नाम नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, किसी भी मंत्र को 3 से 5 मिनट तक इसको एनर्जाइज करना है। 3 से 5 मिनट में ये एनर्जाइज हो जाएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, जहां पर भी आप कैश रखते हैं, कैश का बॉक्स, जैसे अगर आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है तो आपका गल्ला होता है, गल्ले को खोलेंगे, लेफ्ट साइड में बैक कॉर्नर, जैसे ये गल्ला है मान लीजिए, ठीक है, हम ड्रॉयर खोलते हैं, ड्रॉयर खोल के लेफ्ट साइड, आप जहां पर भी बैठते हैं लेफ्ट साइड में बैक कॉर्नर, 4 कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4 किसी भी गल्ले में, अगर आप घर में रखते हैं तो किसी न किसी बॉक्स में रख रहे होंगे, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं उसके लेफ्ट कॉर्नर में पीछे की ओर इन चारों क्रिस्टल को रख देना है। इतना ही आपको करना है। जैसे आप इसको एनर्जाइज कर लेंगे, ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ मनी, कलर ऑफ यू नो मनी, एंजल का भी कलर ग्रीन ही होता है, इसलिए एंजल थेरेपी में भी हम एंजल ग्रीन एंजल को हम देते हैं, है ना, तो ग्रीन कलर मनी का कलर होता है, मनी अट्रैक्शन के लिए इसको आपने एनर्जाइज कर लिया, गले में लेफ्ट साइड में पीछे के कॉर्नर में आपको रख देना है। आप चाहे तो एक बॉल रख के उसमें रख सकते हैं या ऐसे ही भी रख सकते हैं, बस इतना ही करना है। तो दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ, दिस विल वर्क एज अ मनी मैग्नेट, तो आपका गला जो है हमेशा भरा रहेगा, आप जहां पर भी कैश रखते हैं वो हमेशा भरा रहेगा। अगर आपको पर्स में रखना है तो पर्स में आप नहीं देखिए, पर्स में आप लेफ्ट राइट कॉर्नर आप डिसाइड नहीं कर सकते, पर्स में भी आप रख सकते हैं, पॉलिथिन बैग में डाल के पर्स में एनर्जाइज करके रख दीजिए। करना क्या है, इसको रोज एनर्जाइज करना है, दिन में एक बार एनर्जाइज किया, रख दिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन लीजिए, नॉर्मल पानी में उसको वॉश कर लीजिए, पोंछ लीजिए अच्छे कपड़े से और वापस एनर्जाइज कीजिए 3 से 5 मिनट और वापस लेफ्ट साइड कॉर्नर में रख लीजिए। अगर ये आप करते हैं तो आपका जो भी जहां पर भी आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, बॉक्स या गल्ला जो भी है, वो हमेशा भरा रहेगा, ठीक है। तो ये मनी मैग्नेट टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और मैंने रिजल्ट देखे, तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको आप करेंगे तो दिस इज मनी मैग्नेट टेक्निक, ठीक है। तो ये क्रिस्टल अगर आपको चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर जो डिंपल है उनसे आप कॉन्टेक्ट करके। तो ये 2 चीजें मैंने आपको सिखा दी, मूंग दाल ले सकते हैं। अच्छा, डिंपल का नंबर आपको चैट बॉक्स में मिल गया है, नंबर नोट कर लें और मैसेज करें, कोई इररिलेवेंट मैसेज ना करें, जो रिलेवेंट मैसेज है, काम से मैसेज है वही करें और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा क्या करना क्या नहीं करना बिफोर अनाउंस क्लास अदरवाइज। ओके, अभी आज के लिए मुझे जो आप लोगों को देना था मैंने आपको दे दिया, जो लोग मेरे साथ यहीं तक यात्रा करना चाहते थे वो लोग अभी आप निकल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को एडवांस लेवल सीखना है, वो लोग अब पीछे रुकेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करूंगा। अब कौन रुकेंगे मैं आपको बता देता हूं, की पॉइंट्स, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी है, ये मैंने सिखा दी है ना, द एडवांस लेवल, जिसको भी एडवांस लेवल सीखना है, किनको, हु वांट टू हील सेल्फ एंड अदर, जो खुद को हील करना चाहते हैं दूसरों को भी हील करना चाहते हैं, वो लोग अब थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट में और लूंगा, आप लोग रुकेंगे। Who want to help society and people around? जो सोसाइटी में समाज को मदद करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो लोग अब पीछे रुकेंगे। Who want to create impact on people's life? अगर आप दूसरों के जीवन के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक पावरफुल चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप पीछे रुकेंगे।
who is passionate about healing science. अगर healing science के बारे में आपको passion है कि यार चलो ये क्या है, देखते हैं इसको, सीखते हैं इसको, समझते हैं, इसके साथ प्रयोग करते हैं, क्या वाकई में इस तरह से काम करती है, let me explore and experiment on this science. जिनको passion है, जो passionate है, वो लोग पीछे रुकेंगे. जो लोग इसको as a profession लेना चाहते हैं, अगर आप चाहे part time हो, चाहे full time हो, आप professional healer बनना चाहते हैं, तो भी आप पीछे रुकिए. एंड दोज हु वांट टू एक्सप्लोर डीपर डायमेंशन ऑफ लाइफ, अगर जीवन को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप लोग पीछे रुकिए. जिन लोगों को यहीं तक मेरे साथ यात्रा करनी थी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग. और मैं दुआ करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग फले फूले, अपने आप को हील करें, अपने आस पड़ोस को हील करें, और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें हमेशा. और जब भी आपको मेरी जरूरत लगे या मेरी यू नो सलाह चाहिए, हमारी किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम. यू कैन कॉन्टेक्ट अस और यू कैन कम फॉर माई अदर क्लासेस ऑल्सो एज वेल. अभी एडवांस लेवल में आप क्या क्या सीखेंगे और ये कब होगी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपके सारे क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है. जो लोग निकल रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन होना है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक आपको मिल गया है. इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए ताकि हमें आपको हमारे हर अपडेट्स मिलते रहे. हमारी तरफ से जो भी क्लासेस होती है, जो भी सेमिनार्स होती हैं, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए. तो एडवांस लेवल में आप क्या क्या सीखेंगे. एडवांस लेवल जैसा कि मैंने कहा लेवल 4 होता है इसमें. इसका नेक्स्ट एडवांस लेवल जो होता है रेकी लेवल 1 और 2 बोलते हैं. लेवल 1 का ही हम दो भाग कर देते हैं, एक सेल्फ हीलिंग के लिए होता है, एक दूसरों के हीलिंग के लिए. और लेवल 2 एडवांस लेवल होता है. तो लेवल 1 और 2 दोनों ही मैं साथ में सिखाता हूं. दिस इज 5 डेज ऑनलाइन कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, जो इस बुधवार से शुरू हो रहा है. मैं डेट्स आपको बताता हूं. उससे पहले इसमें आप क्या क्या सीखेंगे. इसमें आप सीखेंगे सेल्फ हीलिंग एंड हेट्रो हीलिंग. सेल्फ हीलिंग यानी कि अपनी सारी प्रॉब्लम को और इंटेंस तरीके से कैसे हील किया जाए और दूसरों को कैसे हील किया जाए, ये चीजें आप सीखेंगे. डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाए, घर बैठे, आप अपने घर पे बैठे, मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप वहां से मेरी हीलिंग कर सकते हैं, मैं यहां से वहां पर आपकी हीलिंग कर सकता हूं. डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाए, ये सारी चीजें आप एडवांस लेवल में सीखेंगे. हीलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक पहलू को कैसे हील करना है, वो चीज आप सीखेंगे. हीलिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स, यानी कि जीवित चीजों को आप हील करेंगे ही करेंगे, जो जीवित नहीं है, जिसमें जान नहीं, उनको कैसे हील करना. जैसे आपके व्हीकल है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, भूमि दोष है, इन चीजों को कैसे हील करना. किसी की फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे हील करना है. बिजनेस प्लेस को कैसे हील करना है, ये सारी चीजों को कैसे हील करना है, ये सारी चीजें आप इस एडवांस लेवल में आप सीखेंगे. अपने बच्चों को कैसे हील करना है, स्टूडेंट्स अगर है तो कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसको कैसे हील करना है. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा वीक है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे हील करना है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे. उसके साथ इसमें कुछ एक चीजें मैंने ऐड नहीं की, जैसे पानी को कैसे एनर्जाइज किया जाए, वाटर एनर्जाइज करके वाटर हीलिंग कैसे की जाती है, उसको आप सीखेंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस ऑफ चक्रास एंड चक्रा बैलेंसिंग. ये 7 चक्र कहाँ होते हैं, इन 7 चक्रों का इंपॉर्टेंस क्या है, इन 7 चक्रों को हम कैसे हील करते हैं, किस तरह के क्रिस्टल्स इन चक्रों को हील करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आप एडवांस लेवल में सीखेंगे. उसके बाद ऑरा एंड चक्रा स्कैनिंग, ऑरा को हम कैसे स्कैन करते हैं, ऑरा में अगर कहीं पर ब्लॉकेज है तो कैसे हम उसको स्कैन करते हैं, चक्रों में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो कौन सा चक्र इस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ब्लॉक है, उसको कैसे स्कैन करते हैं, तो ऑरा और चक्रा स्कैनिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें एडवांस लेवल में आपको सिखाई जाएगी. उसके बाद में आपको रेकी इनिशिएशन अट्यूनमेंट जो हमने अभी सेल्फ हीलिंग के लिए किया, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दूसरों को हील करने के लिए भी आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा, जो एडवांस लेवल का अट्यूनमेंट होता है, जिससे आपकी हीलिंग पावर्स और बढ़ जाते हैं. उसके बाद में रेकी के कुछ सिंबल्स आते हैं, इन सिंबल्स के अट्यूनमेंट आपको मिलते हैं और इन सिंबल्स को आपको सिखाया जाता है और सिंबल्स को हम कैसे यूज करते हैं. रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल का इस्तेमाल करके हम अपनी हीलिंग पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. तो इन हीलिंग सिंबल्स को हम कैसे यूज करते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, ये सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा.
उसके बाद में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैंने खुद इजाद की है रेकी के साथ, उसको मैंने सूर्य रेकी का नाम दिया। यानी कि हम रेकी एनर्जी को सन की एनर्जी के साथ कंबाइन करके अपने हीलिंग पावर्स को और ज्यादा कर सकते हैं, और फास्टर और ज्यादा इजी कर सकते हैं। उसको हम सूर्य रेकी कहते हैं, अ वेरी यूनिक टेक्निक ऑफ हीलिंग, उसको आपको सिखाया जाएगा। और उसके साथ कई बार हम दूसरों को हील करते हैं लेकिन खुद की हीलिंग नहीं कर पाते, तो कई बार हमें लगता है कि यार हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, दूसरों को हील करते करते हमें खुद को हीलिंग करने का समय ही नहीं मिलता है। तो इंस्टेंटली आप अपनी एनर्जी को कैसे बूस्टअप करें, उसके लिए एक मुद्रा आती है, महामुद्रा जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। जस्ट 1 or 2 minutes इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फील कंप्लीटली बूस्टेड, आपकी एनर्जी एकदम बूस्टअप हो जाएगी। उस पावरफुल टेक्निक को, उस पावरफुल मुद्रा को मैं आपको इस एडवांस लेवल में सिखाऊंगा अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप इस एडवांस लेवल में आप सीखेंगे। इसके साथ आज ही आपको रजिस्टर करना है। अगर आज आप रजिस्टर करते हैं, मैं फीस वगैरह बताऊं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको और क्या मिलेगा। ये जो 5 दिन की क्लास होगी, जैसा मैंने कहा ये है वर्कशॉप शेड्यूल, इस बुधवार से हम शुरू कर रहे हैं, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 15, 16, 17, 18 जून को शाम को रहेगा 8 to 9:30 एवरीडे 1.5 hours 8 PM to 9:30 PM। यानी कि अगर आप काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो आप अपना काम वगैरह सब कंप्लीट करके 8 बजे आपके फ्री टाइम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो 8 to 9:30 तक एवरीडे वेडनेसडे टू सैटरडे होगा, और संडे को 11 to 1 PM जैसे आज हम जुड़े थे उसी तरह नेक्स्ट संडे को 11 बजे सुबह से 1 बजे तक। तो ये 5 दिन का वर्कशॉप है, इसमें आपको बोनसेस क्या क्या मिलेंगे, इसकी फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बोनस वगैरह मिला के, अब बोनस क्या पहले ये देख लेते हैं। बोनसेस ये 3 classes, आपके आपने सुना होगा एक बहुत ही पावरफुल हवाईयन टेक्निक है जिसको बोलते हैं हो ओ पोनो पोनो, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है जिसका मैंने क्लास लिया था और उसका वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है। वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा जिसकी वर्थ है एक्चुअली 3000 rupees, जिसका मैं जनरली चार्ज करता हूँ ओनली 750 आफ्टर डिस्काउंट। दूसरा आपको वीडियो मिलेगा EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एक टैपिंग टेक्निक होती है, टैपिंग थेरेपी इसको बोलते हैं, जिसकी वर्थ है 4500 rupees, जिसका जनरली मैं चार्ज करता हूँ 1500 rupees। ये भी कम से कम 3 घंटे की एक क्लास है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, ये आपको मिलेगी। और उसके साथ मुद्रा थेरेपी की 2 to 3 घंटे की एक क्लास है मेरी, वीडियो रिकॉर्डेड अगेन, इसमें 21 तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुद्रास मैंने एक्सप्लेन की है और मुद्रा थेरेपी कैसे काम करता है, द कंप्लीट साइंस ऑफ मुद्रा, मुद्रा थेरेपी होती क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों से जुड़े हुए हैं, और कैसे इन मुद्राओं को हम अडॉप्ट करते हैं, कौन सी मुद्रा किस प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारा मुद्रा थेरेपी की जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो भी आपको मिलेगा, जिसका वर्थ है 3000 rupees, जो जनरली मैं चार्ज करता हूँ ओनली 750 व्हेन आई डू द क्लास। तो ये तीनों वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आपके ईमेल पे मिल जाएंगे, अगर आज रजिस्टर करते हैं तो आज शाम को या कल आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी और ये 5 दिन जो होंगे ये लाइव होंगे, मैं खुद सामने बैठ के आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाऊंगा, इन डिटेल सिखाऊंगा। लैंग्वेज यही रहेगी जो हम बोल रहे हैं आज, हिंदी ही रहेगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश मिक्स होगी, ठीक है। तो 5 दिन की एक क्लास है और इसकी फीस है 3500 rupees ओनली, तो टोटल वर्थ ऑफ रुपीज 16500। क्योंकि हम जब ये रेकी की क्लास करते हैं तो मैं जब ऑफलाइन क्लास करता हूँ ये चीजें जो सिखाता हूँ तो उसका कम से कम 6000 rupees में चार्ज करता हूँ जनरली। बाहर से जो दूसरे मास्टर्स चार्ज करते हैं 8, 10, 12, 15, 18, सम पीपल आर चार्जिंग अप टू 25000 फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन दीस 5 days। मैं सिर्फ चार्ज करता हूँ 6000 rupees, बट टुडे इफ यू रजिस्टर, जब तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है उसके अंदर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यू जस्ट हैव टू पे 3500 rupees, सिर्फ 3500 rupees आपको देने हैं। 5 दिन की लाइव क्लास आपको मिलेगी, उसके साथ ये तीनों बोनस आपको मिलेंगे, हो पोनो पोनो का वीडियो मिलेगा, EFT का वीडियो मिलेगा और मुद्रा थेरेपी का वीडियो मिलेगा। और ये तीनों वीडियो का आपको एक्सेस रहेगा कम से कम 3 महीने तक, तो 3 महीने में कभी भी आप इन वीडियो को देख के ये चीजें सीख सकते हैं। दूसरा, ये जो 5 दिन की क्लास होगी ये भी रिकॉर्डेड हो, ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और बाय चांस मान लीजिए किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाए, किसी दिन आप लेट हो गए या आपको वापस रिवीजन करना है, तो ये वीडियोस भी हम ड्राइव पे डाल के इसकी लिंक भी आपको देंगे,
पांच दिन होने के बाद, जैसे 15 तारीख को क्लास हुआ तो उसका वीडियो रिकॉर्डेड 16 तारीख सुबह आपको मिल जाएगा, 16 का क्लास हुआ 17 तारीख सुबह आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और उसकी एक्सेस भी आपको 3 महीने तक रहेगी, यानी कि 3 महीने आप कभी भी वापस उस वीडियो को देख के रिविजन कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो 3 महीने तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सेस रहेगी, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ओनली 3000 आपको करना क्या है, बहुत सिंपल डिपल, आप पेमेंट का लिंक चैट में डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 3500 पे करना है, 9886922501 थ्रू गूगल पे, पेटीएम और फोन पे, या हमारा रेजर पे का नंबर भी है, रेजर पे का लिंक भी है जो आपको चैट बॉक्स में अभी मिल जाएगा, उसके द्वारा, या आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपको अलग जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और बुधवार से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 5 दिन की एक क्लास है, जिनको भी अटेंड करनी है, जस्ट पे 3500 टू दिस नंबर थ्रू गूगल पे, पेटीएम और फोन पे और बैंक ट्रांसफर और रजिस्टर पे, जो लिंक आपको चैट में मिल गया है, एंड रजिस्टर। नाउ आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मेरे नंबर है, ईमेल है और मेरा वेबसाइट है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो अल्केमिस्ट विमल अगर आप टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे मेरा चैनल आपको मिलेगा, उसके लिए आप जरूर यू नो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम, जैसे अगले 10 से 15 मिनट तक मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तब तक आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ये वेबिनार खत्म होगा उसके बाद वो ऑफर भी खत्म हो जाएगा, 3500 में ये ऑफर आपको मिल रहा है, टोटल वर्थ ऑफ 16500 अगर अभी आप रजिस्टर करते हो, तो क्योंकि टाइम इज मनी है ना, तो जितना जल्दी आप निर्णय लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो जिन लोगों को करना है, इनको नहीं करना है, किसी को कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि रेकी चूजेस यू, यू डोंट चूज द रेकी, जैसा मैंने कहा। तो जिसको करना है, जिनको आगे बढ़ना है, जो रियली पैशनेट है, जो रियली सीखना चाहते हैं, वो जरूर इसको ज्वाइन करें, और जो अपने आप को हील करना चाहते हैं, इन डीप हीलिंग को और सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने के लिए अगर आपकी यू नो आपका पात्र बड़ा है तो आप ज्यादा ले जाएंगे, अगर आपका पात्र छोटा है तो आप कम ले जाएंगे। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द रिसीवर, नॉट ऑन द गिवर। मैं तो देता जाऊंगा। ओके, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस लेता हूं। अगर डिंपल, अगर किसी को अनम्यूट करना है तो आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट भी कर दिया जाएगा, तो आप बोल सकते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो पेमेंट कलिक विल बी मास्टर लेवल 1, 2, 3 and 4 ऑफ रेकी, दिस इज लेवल 1 and 2 स्वामी जी, रेकी का 1 and 2 मैं अभी सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम व्हेन द क्लास, नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तब आपको बता दिया जाएगा। हाउ टू रजिस्टर, उसके लिए आपको लिंक मिल गया है, पेमेंट करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आई ट्राई टू पुट दिस ऑन द यूट्यूब और समथिंग एंड ट्राई टू गिव यू। एनी क्लासेस इन डे टाइम राइट नाउ नहीं है, जब भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, बिजी ऑन सैटरडे और संडे, अगर सैटरडे संडे आप बिजी है तो जैसा मैंने कहा आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, जो हम ये 5 दिन की क्लास होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और उस रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको 3 महीने तक रहेगा, आप कभी भी जब भी आप फ्री हो आप बाद में भी देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाते लाइव क्लास तो यू नीड नॉट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, है ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। डिंपल का नंबर जो इसमें डाल दिया गया है चैट में उस पर आप भेज सकते हैं।
और जैसा मैंने कहा, अगर किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और दूसरा इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। हाँ, ये मैंने बताना भूल गया, आपको पीडीएफ मैनुअल मिलेगा एक, और आपको एक ऑडियो भी मिलेगा, चक्र बैलेंसिंग का जो ऑडियो होता है वो भी आपको मिलेगा कोर्स होने के बाद। पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगा, और ये 5 दिन का कोर्स होने के बाद आपको उसका जो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है उसका रिकॉर्डेड ऑडियो भी आपको मिलेगा। यस, जिसने भी पेमेंट किया है, आई मेड द पेमेंट, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओनली वीकेंड क्लासेस अभी फिलहाल नहीं है, तो ये 5 डेज का क्लास है, और जैसा मैंने कहा शाम को 8 बजे से 9:30 बजे आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। दिन का अपना पूरा काम खत्म करके आपको रात को अटेंड करना है ना, अपने फ्री टाइम में। पेमेंट का लिंक आप एक बार और डाल सकती है लिंक पर, अगर किसी को नहीं मिला तो। वैसे चैट बॉक्स में आप ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। बैंगलोर में मेरा एड्रेस, मैं चंद्रा लेआउट नागरभाव में रहता हूँ। आप डिंपल के नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कभी भी आके मिल सकते हैं। ओके, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए एंड यू कैन कम एंड मीट मी। अगर आपको कुछ पर्सनल बात करनी है, आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, मेरा नंबर भी वैसे डिस्प्ले मैंने कर ही दिया था, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैसेज कर लीजिए, हम यू नो कम्युनिकेट कर लेंगे और टाइम फिक्स करके मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके समीर जी, थैंक यू सो मच। यूट्यूब अल्केमिस्ट विमल, अगर आप टाइप करेंगे अल्केमिस्ट विमल ऑन यूट्यूब, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अल्केमिस्ट विमल टाइप कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, संदीप जी का पेमेंट आ गया, थैंक यू संदीप जी। प्रियंका जी ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू। टुडे इज द टाइम गाइस, सो इफ यू वांट टू रियली लर्न, इसको और मास्टर करना चाहते हैं, और ज्यादा सीखना चाहते हैं, यस यू कैन यूज इट एज अ प्रोफेशन आल्सो। मैं एक और बात आपको बता दूं, मेरी जो बिजनेस पार्टनर है डिंपल, शी इज अ हाउसवाइफ, 2 बच्चे हैं, बच्चों को संभालती है, परिवार को संभालती है, घर को संभालती है, और उसके साथ ये अपने फ्री टाइम में हीलिंग करती है, और फ्री टाइम में हीलिंग करके कम से कम महीने का 50,000 से 60,000 रुपए ये कमा रही है। कोई इनकम टैक्स से हो तो इनकम टैक्स रेट ना डाले उसके ऊपर, क्योंकि वो पूरा फाइल में है, नथिंग टू वरी ऑल्सो, जस्ट ऑन द लाइटर नोट। लेकिन यस अतुल जी पेमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच। जिसने भी पेमेंट किया स्क्रीनशॉट भी भेज दें, और अपना नाम और ईमेल एड्रेस भेज दें साथ में। तो जैसा मैंने कहा, डिंपल 50,000 से 60,000 रुपए महीने का कमा रही है पार्ट टाइम प्रोफेशन रख के। मानिए अगर फुल टाइम अगर आप करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें, मेरे है ना। तो ये अगर आप प्रोफेशन की तरह भी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, और आप प्रोफेशन की तरह लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप बहुत से लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अगर शौकिया तरीके से करेंगे तो 1-2 लोगों की ही करेंगे, लेकिन अगर प्रोफेशन की तरह करेंगे तो बहुत से लोगों को आप हेल्प कर पाएंगे। एक इंटेंशन आप हमेशा रखिए मन में कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों का भला करना है, क्योंकि आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, द मेन मोटो ऑफ अस इज सर्विस। हम कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं, हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, दैट इज अवर मेन मोटो। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग। जैसे मैंने कहा, अब मैं ये कोर्स 10,000 में बेच सकता हूँ, 20,000 में बेच सकता हूँ, है ना, बट मनी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कुछ लोग मुझे बोलते भी है कि सर आप इतना कम चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो जैसे डिंपल को दी, जितना मैंने सिखाया है उतना जब इसने दूसरी जगह से पहले सीखा था तो उसने 15-20 हज़ार रुपये तक खर्च कर दिए थे, और मेरे पास बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा उसको मिला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि सर आप इतना कम चार्ज क्यों करते हैं। मैं कम चार्ज इसलिए करता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू रीच टू मैक्सिमम पीपल, ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मुझे अब लिमिटेड लोग ही चाहिए तब शायद मैं ज्यादा चार्ज करना शुरू करूँ, लेकिन राइट नाउ आई वॉन्ट दीज काइंड ऑफ साइंसेस टू रीच टू मैक्सिमम पीपल, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये साइंस पहुंचे,
बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यू नो लोगों को हम मदद कर पाए, हील कर पाए, मेरा यही उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि मैं जितना पाता हूँ उससे कई गुना ज्यादा मैं दे पाऊँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ गिविंग। व्हाटएवर आई गेन आई वांट टू गिव मोर देन व्हाट आई गेन। तो दैट यू नो दैट एटीट्यूड आई ऑलवेज हैव कि आई वांट टू गिव मोर देन व्हाट आई रिसीव, दैट इज व्हाई आई चार्ज लेस। यस, किसी को और कोई सवाल है, कोई पूछना है? We still have the time. I made payment for my dad, Vishwajit Jagtap from Kolhapur. Okay, ji. आप अपना स्क्रीनशॉट और नाम और ईमेल हमें शेयर कर दीजिए, एंड यू विल बी एडेड इन द मेन ग्रुप। और जो भी बोनसेस है वो आपको कल आपके यू नो ईमेल पे पहुंच जाएगा। तो जो बोनस है वो आप कल से ही देखना शुरू कर सकते हैं वीडियो। और हमारा जो मेन क्लास है वो बुधवार से हम शुरू कर रहे हैं, वेडनेसडे से संडे तक रहेगा, 5 दिन की क्लास रहेगी। Yes. Any other questions? Any other doubts? Another 5 minutes, I'm here. अगर आपको और कोई doubt है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। It's 1:45. जिसने भी पेमेंट कर दिया है आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जो ईमेल आप डाल रहे हैं यहाँ पर, ईमेल और अपना नाम व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जहां पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं वहीं पर भेज दीजिए। ईमेल एड्रेस, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आप, डिंपल के नंबर पे या मेरे नंबर पे, कहीं पर भी भेज सकते हैं। Is there any effective difference in online and offline? There won't be any difference. आजकल online का हमारा इतना easy हो गया है कि online और offline में कोई difference नहीं। In fact, actually online में easy हो जाता है, क्योंकि offline जब हम करते हैं तो जहां पर भी हम class करते हैं वहां पर आपको आना होता है, online में आप जहां पर है वहीं से आपको attend करना होता है। ये सबसे बड़ा यू नो फायदा है। और दूसरा, online करने में कोई दिक्कत नहीं, offline भी वही होगा, online भी वही होगा। इनिशिएशन की बात जब आती है, अट्यूनमेंट की जब बात आती है, तो अट्यूनमेंट और इनिशिएशन इज द ड्यूटी ऑफ गुरु, मैं हमेशा कहता हूँ। उसका और स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं। आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट करने का काम गुरु का होता है, गुरु बखूबी वो काम कर लेता है। उसके लिए आप अगर गुरु के सामने है या ब्रह्मांड में कहीं पर भी बैठे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल बी अट्यून्ड प्रॉपरली टू द एनर्जीज। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। ऑफलाइन में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो फीस के साथ ऐड हो जाते हैं। जैसे हम कहीं किसी होटल में करते हैं तो होटल का उसका चार्ज होता है, हॉल का चार्ज होता है, फिर खाने का चार्ज होता है, यू नो, एंड दैट ऑल चार्जेस आर एडेड विद द फीस। तो आपकी यू नो फीस ज्यादा हो जाती है, बाकी दूसरा कोई फर्क नहीं होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी और कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस किसी को है तो अभी भी थोड़ा समय है, आप पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर किसी ने मन नहीं बनाया है कि नहीं 3,500 रुपये ज़्यादा है, नहीं मैं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, मुझे कोई डाउट है, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर नाउ। और कोई डाउट है किसी को? मैं एक काम करता हूँ, आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ से। अगर किसी कुछ कहना है, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। किसी को कुछ कहना है, कोई डाउट है, यू स्टिल हैव द टाइम टू स्पीक विथ मी। किसी को अगर शेयर करना है अपना अनुभव एक्सपीरियंस, वो भी शेयर कर सकते हैं। You can unmute yourself and speak. I did phone pay, same screenshot. Okay, Bhagyaji, thank you so much. G,
जिसको भी पेमेंट करना है, अनदर 5 मिनट्स यू हैव, जस्ट मेक द पेमेंट, सेंड द स्क्रीनशॉट एंड यू रजिस्टर्ड, इतना ही है आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना नाम और ईमेल आईडी भेज देना है व्हाट्सएप पे, विल बी रजिस्टर्ड, ओके। बाकी डिटेल्स हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी, ओके। आपको एक ग्रुप क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और डेली की जो लिंक होगी एवरीडे 5 डेज की, वो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, और आपके साथ हम कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो आपको सारी चीजों का गाइडेंस आपको मिलेगा। अच्छा, क्लास करने के बाद जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, उसके बाद भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कोई भी डाउट चाहिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीपल इज ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू पीपल। तो किसी भी तरह की हीलिंग में अगर आपको डाउट है, हीलिंग करते हुए आपको डाउट है, बाद में भी डाउट है, तो यू कैन फील फ्री एंड कॉन्टेक्ट अस, वी आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद अवर स्टूडेंट्स। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमें हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, हमेशा एक ग्रुप बना के रखते हैं, और उस ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आप ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें, यू नो, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। विद द होलिस्टिक हीलिंग सेंटर जो हमारी फैमिली है, उस फैमिली का आप हिस्सा बन जाए, तो आपको हर तरह की गाइडेंस भी मिलती रहेगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बोलिए। मैं भाग्यश्री कोटी, अभी फोन पे किया आपको। हाँ जी। कैसे यूज करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे प्रोफेशनली भी यूज करना है और सेल्फ हीलिंग भी करना है। हाँ जी। अभी कैसे यूज करना, वैसे बोल रहे थे वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। अकेला करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, आपको खुद को कैसे हील करना है, दूसरों को कैसे हील करना है। अच्छा, अगर आपको प्रोफेशन की तरह लेना है, तो प्रोफेशनली आप इसको कैसे ले सकते हैं, आप अपने घर पे कैसे यू नो एक हीलिंग रूम टाइप का सेटअप कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं गाइड करूंगा आपको क्लास में। और मैं होपनोपनो का क्लास भी किया है सर। ओह वंडरफुल वंडरफुल। होपनोपनो का भी मतलब मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो आपको कल आपको मिल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा पता है थे, एक्सक्यूज मी, आई लव यू, थैंक यू, ये सभी। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और होपनोपनो इतनी पावरफुल टेक्निक है, कुछ चीजें तो इतनी आसानी से ठीक हो जाती है। उस वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। बच्चों का थोड़ा स्टडी का प्रॉब्लम था, स्टडी करना था, लड़की वगैरह पीजी करने पर कर रही थी, उसका थोड़ा हीलिंग करना था, और सेल्फ हीलिंग है, घर का भी सभी का है, इसलिए मैं। यस यस यस, अब सीखिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। सैटरडे संडे नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है ना सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग मिली, जैसे एवरी डे की आपको क्लास हुई, एग्जाम मॉर्निंग आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बाद में देख सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, आई थिंक जिन जिन लोगों को आप जुड़ना था, आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, मन बना लिया है, और जिन लोगों को नहीं जुड़ना है, उन्होंने मन बना लिया है कि अभी नहीं सीखना है, शायद अगली बार सीखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को अभी तक सीखना है, या अभी भी मन है कि मुझे जुड़ना है, मुझे अभी करनी है, आपके पास अभी टाइम है, आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं किया अब तक और करना चाहते हैं, तो स्टिल यू हैव लिटिल टाइम, ओके, तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें और स्क्रीनशॉट भेज दें। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, इसका कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा सर, कि कैसा रहेगा ये? इसका सर्टिफिकेट? हाँ, इसका सर्टिफिकेट जिसको चाहिए उनको मिलेगा। जनरली लेवल 1 और 2 के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। यस, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसका। All right. Any other doubt? अभी एवा भुक्ति मालिक पूरा। किसी को और डाउट है, अभी तक कुछ सोच रहे हैं कि अटेंड तो करना है, लेकिन ये डाउट है, वो डाउट है, वो लोग भी अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। अके संजू अक्का ने जॉइन आगा के दिला फोन अच्छी दिला ही का गले और ये नो ओम शांति रखी ग्रोपा के लगातार अंतर। यस सर, बताइए। मैं लेवल 1 और 2 करके भी हम क्लाइंट ले सकते हैं, मतलब बाकी लोगों को दे बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, लेवल 1 और 2 करके ही आप अपनी दूसरों की हीलिंग और क्लाइंट भी ले सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। जैसे 5 दिन का कोर्स होगा, 5 दिन का कोर्स खत्म होते ही आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं,
लेकिन कुछ लोगों को डाउट होता है कि अभी करें ना करें, तो उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि 21 दिन खुद की हीलिंग कर ले पहले, 21 डेज खुद की हीलिंग करने के बाद आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जनरली वो गैप लेने की भी जरूरत नहीं, आप सीखते ही इमिडिएटली आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। कितने लेवल होते हैं, लेवल कितने रहते हैं बताइए तो सर, लेवल कितने होते हैं, फर्स्ट टू सेकंड लेवल? टोटल इसमें चार लेवल होते हैं, ठीक है। लेवल वन एंड टू, ये जो पांच दिन का हुआ, लेवल वन एंड टू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेवल थ्री और एडवांस लेवल होता है। उसके बाद लेवल फोर जो होता है वो टीचरशिप होता है, यानी कि आपको भी टीचर बन के दूसरों को भी सिखाना है, तो वो टीचरशिप का लेवल फोर होता है। नहीं तो लेवल थ्री तक अगर आप खुद की हीलिंग करना है, दूसरों की हीलिंग करना है, एडवांस लेवल की हीलिंग करना है, तो लेवल थ्री तक आप सीख सकते हैं ओनली फॉर हीलिंग। लेवल टू तक भी अगर आप करते हैं तो आप खुद की और दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। अगर एडवांस लेवल करना है, जैसे कोई डेडली डिसीज है, किसी को कैंसर है, एड्स है, ऐसी चीजों को हील करना है, तो एडवांस लेवल जो थ्री होता है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको टीचर बन के दूसरों को भी सिखाना है रेकी, तो टीचरशिप कैसे करना है, रेकी अटूनमेंट कैसे करते हैं, रेकी इनिशिएशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें लेवल फोर में कवर की जाती है। तो लेवल फोर इज अ टीचरशिप एंड दैट इज द लास्ट लेवल, जहां पर आप खुद टीचर बन के आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। थैंक यू। All right, so I think और किसी को कोई डाउट? किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और कोई डाउट है पूछना चाहते हैं, ये डाउट क्लियर करने के बाद करेंगे। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा भी है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो एक ओंकार और तीन शांति के साथ आज का, प्लीज क्लैरिफाई ही हाउ मच मनी टू रजिस्टर। हाँ बिरेश जी, आई टोल्ड यू नो, 3500 रुपीज, 3500 रुपए देने हैं और एक ही बार में देने हैं, इसमें कोई पार्ट पेमेंट जैसा नहीं है। ओके हाँ, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे अभी 3500 रुपए नहीं है, मैं कल दे पाऊंगा, तो यू कैन जस्ट पे 500 रुपीज नाउ एंड रजिस्टर योरसेल्फ सो दैट यू कैन गेट द सेम ऑफर। नहीं तो कल भी आप पे कर सकते हैं, कल जब पे करेंगे तो जो बोनसेस है वो आपको नहीं मिलेंगे। जो मैंने कहा यू नो अप्रोक्सीमेटली 10,500 रुपीस वर्थ का जो बोनस है, हो पोनो पोनो ईएफटी और मुद्रा थेरेपी की जो क्लासेस है, वो आपको नहीं मिलेगी। ओके तो बोनस आपको नहीं मिलेगा और चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है, उसके लिए आपको 6,000 रुपीस पे करना पड़ेगा। ओके जैसे आप कल रजिस्टर करते हैं, परसों रजिस्टर करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न तो आपको बोनस मिलेंगे और ये जो ऑफर है 3500 ये नहीं मिलेगा, आपको 6000 रुपए पे करना पड़ेगा। 6000 रुपीस यू हैव टू पे इफ यू वांट द सेम ऑफर एंड इफ यू डू नॉट हैव मनी नाउ। अगर मनी की कोई कंस्ट्रेंट है, पैसे की कोई प्रॉब्लम है इस वक्त कि भाई आपको कल देंगे या परसों देंगे, लेकिन यस बिफोर वी स्टार्ट द क्लास यू हैव टू पे द होल अमाउंट। ठीक है, आज आप 500 रुपए पे करके रजिस्टर कर सकते हैं, कल या परसों के अंदर आपको पूरा पेमेंट कर देना है। इट इज नॉट दैट कि आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद करना है, बिफोर यू स्टार्ट द कोर्स, बिकॉज मनी और एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ आप आते हैं ना, वही माइंडसेट कंटिन्यू होता है एनर्जी के साथ। और एनर्जी हीलिंग में हम कहते हैं कि एनर्जी हीलिंग में हम एनर्जी एक्सचेंज करके ही करते हैं। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज हम हीलिंग ना कर सकते, नहीं हम यू नो सिखा सकते हैं। तो एनर्जी हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिफोर द क्लास यू हैव टू क्लियर द फीस। यस, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, बीरेश जी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हिंदी, आपको हिंदी समझ में आती है ना? हिंदी समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि ये क्लास जो है हिंदी में है। अगर आप कन्नड़ वाले हैं तो कन्नड़ की क्लास नेक्स्ट मंथ होगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और वो रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं अगले 3 महीने तक। 3 months we'll have the access to those recorded videos.
तो आप कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और अटेंड कर यू नो फॉलोअप कर सकते हैं। ओके मिस्टर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो नाउ विल क्लोज दिस सेशन विथ वन ओंकार एंड थ्री शांति। आराम से बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आते हैं, एक गहरी सांस लेंगे, तीन एक ओंकार और तीन शांति, इन्हेल, शांति शांति शांति। Let your palms, keep your palms on your eyes. Gently get a facial massage, massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. Thank you so much. जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, हम बुधवार से मिलना शुरू करेंगे। आपके साथ कम्युनिकेट कर लेगी डिंपल और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा एंड विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम वेडनेसडे, सो यू आर ऑल वेलकम। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, अगली बार करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। आप जब चाहे हमारे क्लास में अटेंड कर सकते हैं, आ सकते हैं, और जब भी आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड कम्युनिकेट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट संडे, ग्रेट वीकेंड एंड अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू, शुभ दिन। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. God bless you.